अभी मैंने ग्रुप में लिंक शेयर किया, प्लीज 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 अपने ग्रुप में डाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लीडर हैं एंट्री नहीं ले पाए हैं, उनको ग्रुप यूट्यूब लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, ताकि वो इस ट्रेनिंग इस मीटिंग को अटेंड कर पाए। यस बिल्कुल, हाँ सभी के पास में यूट्यूब लिंक आ गया होगा, यस और नो? आ गया ना, मेरी आवाज आ रही है पुखरा जी, मेरी वॉइस क्लियर? अरे यस सर, आ रही है बिल्कुल शानदार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सभी को देख पा रहा हूँ मैं करीब करीब, काफी लीडर्स के कैमरे ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ ऐसा नहीं है, अगर आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं तो अगर आप नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज का सुपर फ्राइडे, सबसे पहले दोस्तों लीडर्स मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम आर एस भाटिया, जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में डायमंड डायरेक्टर हूँ। ये देखिए कि एक स्कूल में जॉब करते हुए, एक टीचर होते हुए, यानी पीटीआई कराटे कोच होते हुए इस सिस्टम को मैंने लिया, और अपनी लाइफ में इस चीज को एक ही चीज देखा कि ड्रीम तो यहीं से पूरे होंगे। तो आज डायमंड का लेवल है, कार अचीवर हूँ, I-20 इसी सिस्टम से चलाता हूँ, विदेश यात्रा कर चुका हूँ, मेरे खानदान का पहला शख्स हूँ जो विदेश यात्रा करके आया। यानी एक ही चीज समझ में आई कि मैंने सबसे हटके अपनी सोच को बनाया, क्रिएट की सोच को कि यस हम क्या कर सकते हैं, और स्पेशली हम मिडिल क्लास फैमिली में हम यही सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी हम गलत धारणा में बैठे। तो बिल्कुल सभी को देख पा रहा हूँ, स्माइलिंग फेस होना चाहिए सभी का, बिल्कुल। मैंने क्या बोला, कल भी आपको ट्रेनिंग में बोला, आप हमेशा मुस्कुराते हुए रहे, यस यस मुस्कुराते हुए रहे। और बिल्कुल अब समय जाया नहीं करूंगा, क्योंकि अमित जी बिल्कुल आप स्माइलिंग फेस में लग रहे हैं, बिल्कुल क्यूट, सारे लीडर लग रहे हैं बहुत ही क्यूट। अपना माइक कर रहा हूं मैं अब म्यूट, क्योंकि आज जिस शख्सियत को सुनने वाला है, जी हाँ मैम का माइक होने वाला है अनम्यूट। तो आज हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त शानदार शख्सियत आ रहे हैं, मिसेस शोभा सिंह जी, यूसीडी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। हे भगवान, जल्दी से जल्दी आर एस भाटी यूसीडी बने, यूसीडी हमारे बीच में आ रहे हैं ना, तो वार्म क्लैपिंग के साथ में हम मैम को इनवाइट करेंगे, आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए, हा हुल्ला हुटिंग होनी चाहिए, सभी का माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आज मैम को हम सुनेंगे और मैम से सीखेंगे, जानेंगे कि लाखों रुपए कैसे हम कमा सकते हैं इस इंडस्ट्री में आके। तो मैम वेलकम, आपका स्वागत, बिल्कुल आपका, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी मैम। थैंक यू आर एस भाटी सर, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम, बहुत ही अच्छे से स्वागत किया आपने और आपकी टीम ने। सर मेरी आवाज आपको आ रही है? यस मैम। या सो मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे को सुनने के लिए आज समय निकाल कर, दिवाली आने वाली है, घर में बहुत सारे काम चल रहे हैं, साफ सफाइयाँ चल रही है, मिष्ठान बनाए जा रहे हैं, बहुत कुछ परचेजिंग भी हो रहा है, लेकिन उसके बीच में आप लोगों ने मेरे लिए समय निकाला, तो उसके लिए सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और उस ऊपर वाले परमात्मा को कैसे भूल सकती हूँ जिन्होंने ये मानव शरीर दिया है, सोचने की शक्ति दी है, एक सोल दिया है जिसका कुछ ना कुछ पर्पस है, उस पर्पस से ही इस धरती पर मुझे भेजा गया है। और मैं अपने माता पिता को कैसे भूल सकती हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं अपने बेटर हाफ जो कि मेरे मेंटोर है यूसीडी दीपक सिंह सर, जिन्होंने मुझे सिखाया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरे ग्रेट अपलाइन यूसीडी संतोष यादव सर जो कि ग्रॉस टीम से है, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं अपनी जो टीम है और स्पेशली मेरी मणिकर्णिका झांसी की रानी का पहला नाम है, तो मैं अपनी टीम की जितनी भी लेडीज है उनको मणिकर्णिका के नाम से ही पुकारती हूँ, तो मैं उन सब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि अगर वो ना इस मुहिम में मेरे साथ ना होते तो शायद ये मुहिम इतना सक्सेसफुल नहीं होता और आज पैन इंडिया में मुझे ये मान और सम्मान ना मिलना होता। So, दोस्तों मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं अपना सक्सेस स्टोरी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम शोभा सिंह है और मेरा बेसिकली मैं बिहार की रहने वाली हूँ, मेरा जो जन्म हुआ है इलाहाबाद में हुआ है, बिहार से इलाहाबाद। तो एक्चुअली मेरे फादर एयरफोर्स में थे, उनकी पोस्टिंग इलाहाबाद में हुई थी, तो वहीं पर मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर चार भाई हैं और एक बहन है, मतलब टोटल पांच भाई बहन।
तो मेरे पिताजी ही कमाने वाले और तीन भाई जो थे वो मतलब कि किसान कुछ और कुछ कोई कुछ करता भी नहीं था, तो सिर्फ मेरे पिताजी ही करता धरता थे। और जो एयरफोर्स की नौकरी से जो भी अर्निंग होती थी उस समय अर्निंग बहुत ही कम थी, मात्र 500 रुपया, तो उसी से अपने घर का भी खर्चा उनको निकालना पड़ता था, अपने परिवार को भी संभालने के लिए, और साथ ही साथ गांव में भी भेजना पड़ता था। हम जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जमींदार तो है लेकिन जमीन को क्या करेंगे, जमीन में जब तक उपज ही नहीं होगा, तो उपज करने के लिए बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो पैसा पिताजी भेजा करते थे गाँव में कि उस पैसे से खेती बाड़ी होगी, और मतलब कि मेरे को दिखता था मेरे पिताजी का जो प्रॉब्लम है कि बहुत प्रॉब्लम में वो रहते थे। इतना बड़ा परिवार, जो गांव में तीन भाई बहन थे, जो तीन भाई थे उनका भी परिवार बढ़ रहा था, और एक मेरी दादी थी, तो उनका मतलब सबका खर्चा उनको चलाना पड़ता था, तो मुझे दिखता था प्रॉब्लम। और इसी प्रॉब्लम से क्या होता था कि मैं कभी डिमांड नहीं कर पाती थी उनसे कि मेरी स्कर्ट छोटी हो रही है, मेरी शर्ट सही नहीं है, या छोटे हो रहे हैं, या फट गए हैं, बटन्स निकल गए हैं, फट गए हैं, तो मैं खुद ही वाइट शर्ट को ब्लैक धागे से ही सिलती थी। मतलब इतना मेरा डिप्रेशन होता था, मैं अपने आप को इनफीरियर समझती थी, और पढ़ाई में तो मैं इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि स्कूल में एक तो अपने आप को इनफीरियर समझती थी और लास्ट बेंच में बैठी रहती थी, कभी हिम्मत करके भी जाती नहीं थी। अगर मुझे किसी ने गलती से बुला भी लिया कि शोभा आप बताइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं हिम्मत करके भी नहीं जाती थी कि मेरी स्कर्ट छोटी है, मैं दिखती अच्छी नहीं हूँ, सब मुझे हंसेंगे, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो इस वजह से मैं अपने आप को इनफीरियर सबसे फालतू चीज ही समझती थी। और घर में भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी कि पिताजी तो अपने जॉब में थे और मम्मी मेरी इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो घर में भी पढ़ाई का वो माहौल मैंने नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं इस वजह से मैं कम्युनिकेशन स्किल में भी स्टेज फियर और अपने आप को इनफीरियर समझती थी। लेकिन एक सपना था, क्योंकि उस समय रियलिटी शो आ चुके थे, और रियलिटी शो में मैं हमेशा देखती थी कि जो भी विनर रहता है, जो अच्छा परफॉर्म करता है, उसके लिए काफी सारी तालियां बजाई जाती है, स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है, तो वही ख्वाब था मेरा कि मैं भी एक इस तरीके से अगर रियलिटी शो में जाऊंगी तो शायद मेरा भी बहुत सारा नाम होगा, लोग मेरे को पहचानेंगे, तालियां बजाएंगे, क्योंकि वहां पर आपकी खूबसूरती को नहीं देखा जाता है, आपके अंदर जो हुनर है उसको पहचाना जाता है। लेकिन भगवान ने वो गला भी नहीं दिया था कि मैं सुर सही से निकाल पाऊं, वो नृत्य की कला भी नहीं दी थी कि मैं नृत्य को अपना प्रोफेशन बनाऊं, ना ही इतना दिमाग दिया था कि कोई इन्वेंशन कर पाऊं, लेकिन ड्रीम था कि लोग मेरे लिए तालियां बजाएं, मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दे, मेरी पहचान बने। लेकिन इसी बीच में जैसे जैसे पढ़ाई हुई, टेंथ में इतने अच्छे परसेंटेज नहीं आए थे, लेकिन ट्वेल्थ में थोड़ी समझदारी आ गई, दिमाग आ चुका था, तो ट्वेल्थ में फर्स्ट डिवीजन से मैं पास कर चुकी थी। जब कॉलेज की बारी आई तो उस समय मेरे पिताजी पोस्टेड थे एयरफोर्स असम में, तो असम में एक बहुत ही फेमस कॉलेज था, जेपी कॉलेज, वहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज का एक कॉलेज था, तो मैंने पिताजी से डिमांड किया कि मुझे वहाँ पर कॉलेज करना है, तो पिताजी ने मना कर दिया, कुछ कारण होंगे, शायद पैसे का अभाव था, इस वजह से मेरा एडमिशन वहां पर नहीं हो पाया। जो लड़की अपने आप को इन्फीरियर समझती थी, अगर वो कॉलेज नहीं जाएगी, घर में ही रहेगी, तो वो और डिप्रेशन का शिकार होती जाएगी, दुनिया देखी ही नहीं है, लड़कों से कैसे बात करना है, लड़कियों से कैसे बात करना है, कौन सा बस कहाँ पर जाता है, कितने बजे उतारता है, कौन सी ट्रेन कहाँ पर जाती है, ये कुछ भी मुझे नहीं पता था, दुनियादारी कुछ भी नहीं पता था, मार्केट क्या होता है, शॉपिंग कैसे किया जाता है, वो लड़कियों की बातें जो होती है, गॉसिपिंग और जो गुफ्तगु होती है, मैं उससे कहीं ना कहीं बहुत मीलों दूर थी। तो घर में ही मेरा पढ़ाई हो रहा था, मैं तब कॉरेस्पोंडेंस से मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, बीकॉम में मैंने एडमिशन लिया, तो बिल्कुल भी मैं डिप्रेशन में आ चुकी थी, लेकिन ख्वाब यही था कि मेरे लिए तालियां बजे। और जब भी मैं अपने पिताजी के साथ एयरफोर्स कैंपस में घूमती थी, लाइक अगर मैं कैंटीन जा रही हूँ या हॉस्पिटल में जा रही हूँ अपने आप को दिखाने के लिए, तो मैं देखती थी कि हाँ कोई भी लेडी ऑफिसर अगर सामने से आ रही होती है तो मेरे पिताजी एकदम स्टैंडिंग पोजिशन में आ जाते थे,
आपको याद होगा, मतलब देखा होगा आपने कि कोई भी सोल्जर जो होता है किस तरीके से सैल्यूट मारता है, तो वो लेडी ऑफिसर को देख के मेरे पिताजी एकदम सीना चौड़ा कर लेते थे और जूते को पटक कर इतने जोर से सलाम ठोकते थे। तो मुझे लगता था कि वाओ, अगर मुझे ये सलाम चाहिए, अगर मुझे ये ओवेशन चाहिए और ये मान सम्मान चाहिए, तो मुझे फ्लाइंग ऑफिसर बनना पड़ेगा। तो फ्लाइंग ऑफिसर भी मैं बन नहीं सकती थी, क्योंकि फ्लाइंग ऑफिसर के लिए आपका रेगुलर कॉलेज होना चाहिए, लेकिन मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस था। तो मेरे सपने पूरे के पूरे मिट्टी में मिलते जा रहे थे और डिप्रेशन का शिकार, और कहीं ना कहीं अपने आप को एकदम इन्फीरियर समझती थी कि कुछ भी कला नहीं है आपके अंदर, बस आपको रोना आता है, रोना ही है, रोते रहो अकेले एक चार दीवारी में अंधेरा करके, बस एक कोने में रोते रहो। तो उसी बीच में एंट्री हुई मेरे बेटर हाफ मिस्टर दीपक सिंह सर, जब उनकी एंट्री हुई तो वही फिल्म का सीन स्टार्ट हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि जब लव सीन आता है तो हवा तेज बहने लगती है, पत्ते उड़ने लगते हैं और वायलिन बजने लगता है, तो कहीं ना कहीं खुशी का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। जिनसे प्यार किया था, जिनको चाहा था, उन्हीं से शादी हुई 2004 में। लेकिन जब शादी करके गए तो मैंने यही देखा कि जिस बड़े घर से मैं आई थी, मायका में भी मेरा बहुत बड़ा परिवार था, कर्ता धर्ता एक ही थे, और ससुराल में भी आई तो बड़ा परिवार कर्ता धर्ता एक ही, दीपक सर ही कमाने वाले थे। वहां पर भी दिखता था कि दीपक सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेरी ग्रेजुएशन उस समय कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं सेकेंड ईयर कंप्लीट करके थर्ड ईयर में आ चुकी थी, और उसी बीच में फिर मेरे घर में मेरा बेटा भी जन्म ले लिया है ना। तो एक परिवार बढ़ते जा रहा था, खर्चे बढ़ते जा रहे थे, सैलरी उतनी ही थी। दीपक सर को लगता था कि ये सैलरी से काम नहीं चलेगा, तो उसी बीच में बहुत सारे इनकम सोर्स की तलाश करने लगे। इसी बीच में वो रियल एस्टेट में भी चले गए, लोगों के फ्लैट बिकवाने लगे, बिल्डर्स के फ्लैट बिकवाने लगे, और बिल्डर प्रॉमिस करता था कि आप फ्लैट बिकवाएंगे तो पर फ्लैट में आपको इतने हजार मिलेंगे। जब फ्लैट बिक जाता था, डॉक्यूमेंट हो जाता था, तो वो कुछ और प्रॉमिस याद दिलाता था कि मैंने ये बोला था कि ये करोगे तब आपको मिलेगा। तो वहां पर भी धोखा देखने को मिला, और मुझे याद है कि मैं 8th month की प्रेग्नेंट थी, तब भी मैं दीपक सर के साथ जाती थी फ्लैट बिकवाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, डब्बा पैक करके संडे के संडे हम लोग जाते थे वहां पर। और फिर इसी बीच में बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में भी वो एजेंट बन गए थे कि लोगों को देंगे बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस तो कुछ इनकम आएगा। वहां पर भी काम नहीं चला, तो उस समय ऑफलाइन पैन कार्ड बनता था, फॉर्म फिलअप करके पर पैन कार्ड का आपको 200 रुपए मिलता था, तो वो 200 रुपए मात्र से क्या गुजारा होगा, तो वो भी फेल हो चुका था। और इसी बीच में उनकी एंट्री हुई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। लेकिन हर इंडस्ट्री जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है, जो बोलती है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग हो, वो सही कंपनी नहीं होती है। तो वहां पर मनी चेंज वाली कंपनी में इनकी एंट्री हो गई थी। ये बहुत खुश रहते थे कि बहुत सारा पैसा मिलेगा, लोगों का पैसा लगाना पड़ता था वहां पर। बोलते थे 10 लाख 5 लाख लगाइए, आपको हर महीने 20,000-30,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये बहुत खुश होते थे कि लोगों का पैसा लगाना है और हमको इतना मिलेगा। जब बहुत सारा पैसा लगा दिया, बहुत सारे लोगों ने भी इनकी तरह लोगों ने पैसा लगा दिया, तो वो कंपनी और जो ओनर था वो मलेशिया भाग गए। जब मलेशिया भाग गए तो जिन लोगों के पैसे लगवाए थे इस प्रॉमिस में कि आपके घर में 20,000 रुपए या 30,000 रुपए आएंगे, तो वो लोग तो काफी घर में आकर शोर शराबा करना स्टार्ट कर दिए। ये शोर शराबा मैं देखती थी, और उसी शोर शराबा और उसी चीजों से मुझे नफरत हो चुकी थी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर ये है तो मुझे नहीं करना है, मुझे शोर शराबा नहीं चाहिए। क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ही शांत स्वभाव की, अकेले घर में रहना पसंद, मुझे सोशल नेटवर्किंग ये सब गैदरिंग वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मैं वैसे ही फैमिली से आई थी और कहीं ना कहीं मेरी परवरिश भी वैसे ही हुई। तो सोशल गैदरिंग और लोगों को शोर शराबा गाली गलौज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे वो छोटी सी दुनिया ही पसंद थी जिसमें पति हो, बच्चे हो, और बस यही मेरी दुनिया थी। लेकिन फिर उसके बाद देखा दीपक सर का इनकम से घर नहीं चल पा रहा है, तो दीपक सर ने मेरा IFBI एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है, एक कोर्स होता है 6 month का, वहां पर मेरा एडमिशन करवाया। और उस एडमिशन को करवाने के लिए भी 75,000 रुपीज उस समय चाहिए थे 2007 में।
उस समय इतने पैसे नहीं थे इनके पास, तो इन्होंने क्या किया, लोगों से मांगना, अपने रिलेटिव लोगों से मांगना स्टार्ट किया। हर रिलेटिव ने ना बोला, उनको लगा दीपक तो ऑलरेडी इस स्थिति में है, पे नहीं कर पाएगा। जब मुसीबत होती है तो अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, है ना। लेकिन इन्होंने अपना साथ नहीं छोड़ा, अपना खुद का साथ नहीं छोड़ा, लोन के लिए अप्लाई किया, एजुकेशन लोन 75,000 रुपीज, और उससे मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई IFBI से 6 मंथ की। 6 मंथ का 3 महीने का थियोरटिकल हुआ और 3 महीने का इंडक्शन पीरियड चल रहा था। तो इंडक्शन पीरियड के लिए आपको ICICI बैंक ब्रांच में आपको इंडक्शन देना पड़ेगा। अब वो ICICI बैंक का जो मेरा प्लेसमेंट हुआ था वृंदावन ब्रांच में हुआ, और उस समय मेरा बेटा 2 साल से भी कम एज का था। वृंदावन मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि छोटे से बच्चे को कैसे छोड़ के जाऊंगी। तो रीजनल हेड से मैंने, हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मेरा जो प्लेसमेंट है नियरेस्ट दिल्ली रोड ब्रांच, मेरठ दिल्ली रोड ब्रांच में कर दिया। दिल्ली से मेरठ दूर था, 3 घंटा आपको जाने में लगेगा बस से और आने में 3 घंटा लगेगा। मैंने बस से ट्रेवलिंग करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेन से काफी डरती थी मैं, लोकल ट्रेन से। तो उस समय मैंने स्टार्ट किया और दिल को मार कर सूटकेस पैक कर रही थी, और मेरा बेटा रो रहा था, घर के सारे परिवार रो रहे थे कि ये 3 महीने के लिए अब मेरठ जा रही है इतने छोटे से बच्चे को, लल्ला को छोड़कर। हाँ, सारे घर के परिवार रो रहे हैं। मेरा बेटा उस समय 2 साल से छोटा था, उसको बोलना भी नहीं आता था। मैं रो रही हूँ तो वो मेरे आंसू पोंछ कर बस मम्मी मम्मी बस यही बोले जा रहा है, और मैं बस दिल पे पत्थर रखकर और रिक्शा पर बैठी तो मेरा पल्लू जो मेरा जो चुन्नी था वो लटक रहा था, तो वो चुन्नी पकड़ कर थोड़ी दूर तक गया और वो भी रो रहा था, मैं भी रो रही थी। बस वही सीन पूरे रास्ते पर, जब तक मैं दिल्ली से मेरठ पहुंची नहीं, वो सीन बार बार याद आ रहा था कि मेरा छोटा सा बच्चा वो ऐसी इस प्रकार से रो रहा है। और परेशानी तो तब स्टार्ट हुई जब उस समय मेरे पास फोन नहीं था, PCU से मैं कॉल करती थी रात को, क्योंकि उस समय रात को जब कॉल करते थे तो पैसे कम लगा करते थे, है ना। आप लोगों को भी याद होगा, कुछ लोगों ने अगर PCU से कॉल किया है तो रात को मैं कॉल करती थी 8 बजे के बाद, जब मेरा ब्रांच से काम खत्म हो चुका होता था। और परेशानी तब स्टार्ट होती थी जब मैं कॉल करती थी तो मेरी आवाज सुनकर वो वहां से रोता था और मैं उसका रोना सुनकर यहाँ से रोया करती थी, दहाड़े मार मार कर PCO बूथ को बंद कर 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 सर पटक पटक के रोया करती थी कि कैसे भी उससे मिलवा दे और मैं उसको शांत कर दूं। छोटा बच्चा है, 2 साल से कम का उम्र है। और मंडे टू सैटरडे, उस समय अभी तो सैटरडे को भी ऑफिस बंद हो चुका है बैंक का, 2nd and 4th सैटरडे को, लेकिन उस समय सैटरडे को भी ऑफिस फुल टाइम खुला रहता था। और ब्रांच का आवर था हमारा वर्किंग आवर, 9 बजे आपको ब्रांच में पहुंचना है और जब तक आपका RBI टैली ना हो जाए तब तक आप छोड़ कर नहीं जा सकते हो ब्रांच को। और वो RBI टैली कब होगा, अगर एक पैसा भी इधर उधर हो जाए, एक रुपया भी, आपके लिए एक रुपया आजकल कुछ भी वैल्यू नहीं है, लेकिन हम बैंकर्स के लिए एक रुपया बहुत ही बहुमूल्य था। तो वो एक रुपया कहाँ गया, वो टैली करते करते कभी कभी तो रात हो जाती थी और वो उसको टैली मतलब कि 9 कभी 10 बज जाएंगे, कभी 8 बज जाएंगे। और जब मैं जाती थी हॉस्टल में तो खाना खत्म हो चुका होता था, तो कभी कभार ऐसे ही भूखे भी सो जाना पड़ता था क्योंकि खाना तो खत्म हो चुका है तो क्या खाएंगे, हॉस्टल में क्या मिलेगा, दूध तो मिलेगा नहीं कुछ भी। उस समय रात को तृप्ति होती थी कि कोई गर्म गर्म चाय देते तो चाय भी पीने को नहीं मिलता था हॉस्टल में। और सैटरडे को मतलब संडे को मैं सुबह सुबह 4 बजे ही उठकर जाती थी बस पकड़कर मेरठ टू दिल्ली, और दिल्ली में अपने बच्चे से मिलकर संडे का पूरा दिन व्यतीत कर फिर मंडे को सुबह 4 बजे भागती थी कि मेरठ में पहुंचना है, 9 बजे ब्रांच खोलना है और वहां पर पहुंचना है। तो ये स्ट्रगलिंग जो था, मेरे जो ब्रांच मैनेजर थे वो देख रहे थे, तो उन्होंने बोला कि शोभा तुम बहुत ही प्रॉब्लम में हो, तुम्हारा बच्चा बहुत छोटा है, तुम्हारे प्रॉब्लम को देखकर हम तुम्हारी पोस्टिंग जो है नियरेस्ट ब्रांच में कर देते हैं। तो उनके मुताबिक नियरेस्ट कुछ और ही होता था, वो लोग मेरा फिर से प्लेसमेंट कर दिया पुष्पांजलि जो कि गाजियाबाद में था। मैं दिल्ली में रहती थी, मेरा परिवार दिल्ली में रहता था और वो गाजियाबाद में फिर से मेरा प्लेसमेंट हुआ, लेकिन इस बार मेरा ब्रांच में नहीं हुआ, इस बार मेरा करेंसी चेस्ट में पोस्टिंग हुआ। करेंसी चेस्ट जो कि अंडरग्राउंड रहा करता था,
सारे चेस्ट ऐसे ही होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं कि चोर लुटेरे से बचाने के लिए वो अंडरग्राउंड में रहता है, और सब जगह से बंद आपकी सांसें घुट जाएगी और पैसे पैसे का वहां पर सब कुछ टैली होता है, पसीने की बदबू, आपके डस्टिंग की हर चीज की, क्योंकि वहां पर पैसे का प्रोसेसिंग होता है। तो वहां पर जो भी ब्रांच में जो कैश डिपॉजिट होते थे वो सारा का सारा वहां पर लाकर टैली किया जाता था। जितने भी ब्रांच है आपके आईसीआईसीआई बैंक के, एटीएम में मॉर्निंग आपकी आंखों के खुलने से पहले सारे एटीएम में पैसे हो जाने चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ता था, सुबह 8 बजे ही ब्रांच में बैठना है करेंसी चेस्ट में। तो 8 बजे पहुंचने के लिए मुझे घर से कितने बजे निकलना पड़ेगा, जो कि दिल्ली में मेरा घर है, और गाजियाबाद में पहुंचने के लिए। और उस समय कोई सुविधा भी नहीं थी, ना तो कार था, ना तो मुझे बस कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने बस वगैरह का कुछ भी ट्रैवलिंग नहीं सीखा था, ना ही ट्रेन की ट्रैवलिंग सीखी थी। तो मेरा एक फ्रेंड था जो कि वहां पे वर्किंग करता था, मैं उसके साथ बाइक में जाया करती थी। दिल्ली की ठंडी ऐसी है, जो आप लोग तो राजस्थान के कुछ लोग सुन रहे होंगे, तो दिल्ली इतनी मतलब ठंडी इतनी होती थी कि हड्डियां अकड़ जाती थी, और गर्मी ऐसा कि पूरा फेस झुलस जाएगा, लेकिन काम करना था, क्योंकि वो संकल्प लिया था मेहनत कर लेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इस जीवन में उस युग में कदम नहीं रखेंगे, दरवाजा नहीं देखना है उसका। बस वो संकल्प था और करना स्टार्ट किया करेंसी चेस्ट में, कैसे भी मन मार कर करना स्टार्ट किया। और रात को जब मैं आती थी तो पूरे कुत्ते भौंकते थे, सिर्फ रोड में कोई भी इंसान नहीं, क्योंकि आरबीआई को टैली करके वैन सारे आ जाएंगे, मुरादाबाद गाजियाबाद कहां कहां से वैन जब आ जाती थी पैसे लेकर, क्योंकि वो पैसे आप लोगों के हुआ करते थे, तो वो पैसे की जिम्मेदारी हमारी होती थी। तो अगर सारे पैसे आ जाएंगे, टैली हो जाएगा, आरबीआई को रिपोर्ट हो जाएगा, तब हम घर में निकला करते थे। और घर पहुंचते पहुंचते पुष्पांजलि से दिल्ली आते आते रात 11 कभी 12 कभी 1 बजा करता था। और एक दिन तो 1,00,000 रुपए का, 1,000 रुपए अभी बंद हो चुका है नोट, उस समय 1,000 का एक बंडल गायब हो चुका था, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ पे जमीन निकल गई कि हवा में गायब हो गया। और उस समय मैं बस गई थी पुष्पांजलि में, और मात्र 7,000 की तनख्वाह थी मेरी, और मैं उस दिन ऑन द ड्यूटी थी, तो मेरे को बोला गया कि आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय ऑन ड्यूटी 5 employees थे। मेरा 7,000 सैलरी और 20,000 मेरे लिए बहुत ज्यादा थे। मैं तो खूब रोने लगी कि नहीं हो सकता, मेरे से माफी चाहो, मैंने नहीं लिया आप लोगों का पैसा, या तो नौकरी से निकाल दो। लेकिन फिर याद आता था कि नौकरी नहीं करूंगी तो फिर क्या कैसे होगा, साथ देना है ना। तो फिर दीपक सर को बताया, दीपक सर ने अरेंज किया 20,000 रुपए। और वो जब 20,000 रुपए, वो मोटी सी गड्डी मैं जब दी, तो ऐसा लग रहा था कि अपना किडनी निकाल कर दे रही हूँ उस समय 20,000 रुपए, है ना। तो वो ये सारे फेसेस थे। और लेकिन दीपक सर की एंट्री 2013 नवंबर में हो चुकी थी वेस्टिज में, और वेस्टिज में आने का जो कारण था, क्योंकि उनका स्वभाव बन चुका था, उनका एक चाहत था कि एक इनकम से घर नहीं चल रहा, और शोभा भी बहुत मेहनत कर रही है, उसके भी इनकम से घर नहीं चल रहा, परिवार बढ़ रहा है उस समय, आपके मतलब बच्चे भी बढ़ रहे हैं, मतलब कि उनकी भी खर्चे आ रहे हैं, और बहन भी थी शादी करने लायक इनकी। तो उस सब चीज को देखते हुए वेस्टिज में इनकी एंट्री हुई। हमारे जो जीजा जी थे दीपक सर के, वो आसाम में रहते थे, उनका किडनी फेल हो चुका था, दोनों किडनी काम नहीं कर रहे थे, कैरेटिन लेवल 11% चला गया था। वहां के हॉस्पिटल ने इनको बोला, डॉक्टर ने, कि आपको दिल्ली लेके जाना पड़ेगा, दिल्ली में सबसे अच्छा नामी हॉस्पिटल है गंगाराम हॉस्पिटल। तो वहां पर इनका इलाज स्टार्ट हो गया। एक हफ्ते में 2 dialysis होते थे, पर डायलिसिस का 2,500 खर्चा। और उसी बीच में दीपक सर को मेट्रो में बताया गया था प्लान, और वो प्लान दिखाने वाले कोई और नहीं, हमारे DOCD संतोष यादव सर थे। उन्होंने प्लान दिखाया, प्लान किसी और को दिखा रहे थे मेट्रो स्टेशन पे, दो इंसान को दिखा रहे थे, लेकिन इनकी नजर पड़ गई, क्योंकि कहा जाता ना, जिसको प्यास लगता है तो प्यासा तो कुएं के पास पहुंच ही जाता है। ये गुजर रहे थे, पालम उतर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो द्वारिका में उतर गए, और देखा कि प्लान शो किया जा रहा है, वहां पर रुक गए, और इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग करवा ली। वो दो लोगों के नीचे इनकी ज्वाइनिंग हुई, और संतोष यादव सर को बताया गया कि हाँ, हमारे घर में एक
पेशेंट है, उन्होंने बोला कि आप यहाँ से फुट पैच ले लीजिए और यूज करवाइए, क्योंकि और हम लोग कोई प्रोडक्ट नहीं रेकमेंड कर सकते हैं डायलिसिस पे है, तो आप फुट पैच लेके जाइए। फुट पैच उनके कहने पर, भरोसे पर ये लेकर आए और डेली रात को लगाया गया, क्योंकि डायलिसिस उनका रेगुलर हो रहा था और 11% से भी ज्यादा था। वो इंसान उल्टियां करता था ग्रीन कलर की, हम लोग उल्टियां करते हैं येलो या व्हाइट कलर की, वो ग्रीन कलर की उल्टियां करते थे, आंखें बाहर निकल जाती थी। वो इंसान एकदम पतला काला हो चुका था, मतलब बस कोने में ही बैठे रहते थे, एकदम उनको अजीब से वो हो चुके थे। तो जब उनका जब फुट पैच लगाया गया रेगुलर, तो केराटिन लेवल लो हो चुका था, कम हो चुका था, और वो खाना मांगना स्टार्ट कर दिए थे और थोड़ा सा वो एक्टिव हो गए थे, मतलब टीवी देखना स्टार्ट कर दिए। तो जब उनके अंदर ये एक्टिवनेस देखा तो लगा कि हाँ, प्रोडक्ट तो कमाल काम कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने फिर से गए संतोष यादव सर के पास, और संतोष यादव सर के साथ बैठ कर इन्होंने फिर से प्लान को समझा। नवम्बर 2013 में जो प्रोडक्ट लेने की वजह से जो पे आउट आया था वो करीबन 325 रुपए आया था, और जैसे ही इनको प्लान समझ में आया तो इन्होंने स्पीड पकड़ लिया और दिसंबर 2013 में इनका पे आउट बना 11,222 रुपए। तो आप ये सोचिए, 325 से 11,222, कोई भी जॉब में, कोई भी बिजनेस में, कोई भी व्यापार में, कोई भी धंधे में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में ये पॉसिबल है। मैं आज इतनी पॉजिटिव बातें क्यों बोल रही हूँ, जो औरत इतनी नेगेटिव थी, लेकिन मैंने देखा है इसलिए बता रही हूँ। तब भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये बहुत कोशिश किया करते थे, उस समय 7 प्रकार के इनकम हुआ करते थे, तो मेरे को बहुत समझाने की कोशिश करते थे, मीटिंग में भी लेकर जाते थे, और देखते देखते ये काम करते रहे। एयरफोर्स में जो भी आपको 1 घंटा मिलता था, या संडे के संडे जो भी काम करना स्टार्ट कर दिए, और देखते ही देखते सिल्वर डायरेक्टर बन गए। सिल्वर डायरेक्टर के रिकग्निशन के लिए ITO भवन में मेरे को बुलाया गया, तो उस समय पहली बार मैं स्टेज पे पहुंची थी। तो स्टेज पे तो इन्होंने मुझे सिखा दिया था कि ये बातें बोलनी है, मैं तो ये बातें बोलकर आ गई, क्योंकि मुझे तो सिखाया गया था कि ये आपको बोलना है, लेकिन मेरा मन बोला था कि नहीं, वो कंपनी मलेशिया भाग गई थी, ये कंपनी कहाँ भागेगी पता नहीं। मेरे अंदर ये समझ में पता नहीं यही अंदर चले जा रहा था, और ये हमेशा काम करते रहे, और मैं करती रही अपने बैंक में, सुबह से शाम तक पागलों की तरह काम कर रही थी। इनका पे आउट कभी 11,000 से 20,000, 30,000, 35,000, और मेरा वही पर महीना कितना भी मेहनत कर लो वही इनकम मिलता था। ज्यादा से ज्यादा क्या होता था कि आपको 200 रुपये, 300 रुपये, 1,000 रुपये या प्रमोशन होगा तो आपको 2,000 रुपये बढ़ा देंगे, मात्र इतना ही बढ़ता था। जॉब में यही होता है, 30% से भी कम आपकी मतलब कि जब जॉब चेंज करते हैं तो 30% ही बढ़ता है, लेकिन अगर सेम प्रोफेशन में रहते हैं, सेम जॉब में रहते हैं, तो मात्र 8% या 10% ही बढ़ता है, लेकिन कोविड में तो वो भी बहुत कम हो चुका है। ओके, तो मेरा इनकम इतना ही बढ़ रहा था, लेकिन तब भी मेरे को दिखता था कि क्योंकि हमारा जॉइंट अकाउंट है, तो उसमें टिंग से मैसेज आता था एवरी 10th को, तो मेरे पास भी मैसेज आता था NEFT ट्रांसफर फ्रॉम वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो मुझे लगता था कि कंपनी भाई भागने वाली है, टोकन ऑफ लव मिस्टर दीपक सिंह को दिया जा रहा है, इस बार कंपनी मलेशिया नहीं चाइना भागेगी। तो मैं तो अपना एकदम ढाल बना लिया था कि नहीं, मेरे को टच नहीं करना चाहिए वेस्टिज। और उसी बीच में इनका हमारा ट्रांसफर हुआ हैदराबाद में, एयरफोर्स इनका ट्रांसफर हुआ एयरफोर्स से हैदराबाद में, दिल्ली से, और फिर उसी बेसिस में मैंने भी अपना ट्रांसफर ले लिया ICICI बैंक हैदराबाद में, जो कि गच्ची बोली है यहाँ पर जगह, जो कि बहुत दूर है। मेरे को पहली बार ट्रेन से सफर करना मैंने स्टार्ट किया, पहली बार, बस से तो स्टार्ट कर ही दिया था दिल्ली में, ट्रेन में सफर करना स्टार्ट किया। पहले दिन तो जब ट्रेन पकड़ने वाली थी तो मैं बड़े स्टाइल से ट्रेन पकड़ रही थी, लेकिन फिर बाद में चप्पल हाथ में रख कर पकड़कर ट्रेन पकड़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे कमाना था, मुझे वेस्टिज या कुछ भी नहीं करना था। काफी दूर था वो भी, क्योंकि ट्रेन से जाना, ट्रेन से आना, रात को 9-9 बजते थे। फिर वहां से रिजाइन करके मैंने एक्सिस बैंक में एज ए मैनेजर लेवल पर ज्वाइनिंग किया। सैलरी थोड़ी बढ़ी, लेकिन घमंड आ चुका था, क्योंकि मैं मैनेजर पोस्ट में आ चुकी थी, 55,000 रुपीज की सैलरी हो चुकी थी, लेकिन इनका इनकम 80,000, 1,25,000। जिस दिन 1,25,000 हुआ, वो टिंग से मैसेज आया 10th को, तो उस दिन लगा कि शोभा कुछ तो बात है, अभी तक मलेशिया नहीं भागी कंपनी, इतने साल हो गए, 2013 से 2016 चल रहा है, 17 चल रहा है, अभी तक नहीं भागी। तो मैंने 2019 में पहली बार प्लान शो चेक मतलब देखा, मतलब 2013 से 6 साल मैंने
दीपक सर को समय नहीं दिया, मन मार कर बैठती थी, मैं देखती थी बहुत मेहनत कर रहे, प्लान शो कर रहे, ऐसे ऐसे करके प्लान शो किया जा रहा है, लोगों को मना रहे हैं, जाते थे संडे के संडे सिकंदराबाद ऑफिस में, पूछती थी कितने लोग आए थे, बोले कोई भी नहीं आया, या बहुत मेहनत मैं देखती थी इनका। लेकिन पहली बार मैंने प्लान देखा और इन्होंने मेरे को समझाया, तब भी समझ नहीं आया, तो मैं एक मीटिंग में मुझे बुलाया गया और उस मीटिंग में गेस्ट स्पीकर थी मैं, जिसको वेस्टिज का वी भी नहीं पता, और मैंने भाषण देना, भाषण क्या दूंगी, मेरे को कुछ भी नहीं पता, मैं अपने बारे में ही सिर्फ बताई जा रही थी। लेकिन लास्ट में जो लोगों ने तालियां बजाई, कुछ भी बोला हो मैंने, वो तालियां फिर मेरे को बोला, वाओ यही तो चाहिए था तुमको शोभा सिंह, वो सपना तुम्हारा पूरा हुआ। पहली बार वो तालियां मैंने सुनी, तो वो तालियों की गड़गड़ाहट की वजह से इस व्यापार में एंट्री हो चुकी थी और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वेस्टिज में क्राउन डायरेक्टर की लेवल पर आई हूँ। और उस समय इनकम, हाईएस्ट इनकम हमारा गया था 1,57,000, और इसी बीच में दीपक सर का हैदराबाद से कानपुर ट्रांसफर हो गया और कानपुर में ये चले गए और एक मुझे क्राउन डायरेक्टर बनाकर छोड़ के चले गए। मतलब कि मैं, मुझे टीम संभालनी थी, मुझे अब मैं सोची जब आपके ऊपर बोझ या जिम्मेदारी आती है ना तो आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, तो वो जिम्मेदारी इतनी बड़ी आ चुकी थी, लोगों को वादे किए गए थे कि सपने आपके पूरे होंगे, ड्रीम्स आपके पूरे होंगे, तो उन ड्रीम्स और उन वादों की वजह से मैंने सीखना स्टार्ट किया, यूट्यूब में स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेंटर नहीं है सिकंदराबाद में हमको सिखाने के लिए, दिल्ली में जो लोग हैं या जो भी जो आपके जब मेंटर हैं आपको सिखाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे हैं, हम तो अनाथ हो गए थे यहाँ पर हैदराबाद में, कोई भी सिखाने वाला नहीं, किसी को भी बोलो तो वो तेलुगु में बोलता था और तेलुगु हमको समझ नहीं आती थी, वो एएनडी चपंडी बस यही बोलते थे, हमको कुछ समझ नहीं आता था, है ना। तो हम लोगों ने YouTube लाइव से सीखा और YouTube लाइव में जो बोलता था नोट्स बनाने स्टार्ट किए, अपनी ही वॉइस को रिकॉर्डिंग करके सुनती थी कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़े चेंज करने वाले आप ही होते हैं, कोई और आपको चेंज नहीं करने वाला, हाँ गाइड कर सकता है लेकिन चेंज आप ही को करना पड़ेगा। तो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर करके, अभी भी मेरी आदत है, कोई भी वीडियो मैं बनाती हूँ तो मैं उसको बार बार सुनती हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि कहाँ पर गलती कर रही हूँ, कहाँ पर मैं हक ला रही हूँ। तो उस दिन से स्टार्ट किया और मैंने मीटिंग लेना स्टार्ट किया, औरतों की फौज करना बनाना स्टार्ट कर दिया, मैंने मेकअप को अपना हथियार बना लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि सभी औरतों को पता है कि आपको बिजनेस भले समझ में ना आए लेकिन मेकअप करना आपको भली भांति पता है, तो मैंने मेकअप को ही मिस्टर ऑफ मिलान को ही प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट के डिमॉन्स्ट्रेशन करने स्टार्ट कर दिए, और संडे के संडे, मंडे टू सैटरडे ब्रांच में एज ए मैनेजर की लेवल पे पोस्ट पे काम करती थी, और संडे के संडे एक हाथ पे स्पीकर, एक हाथ में डिमॉन्स्ट्रेशन का बैग, और एक हाथ में एक बैग होता था जिसमें सारे बुक्स होते थे, कार बुक, लेडीज बुक्स, ये सारे होते थे। तो मैंने मीटिंग स्टार्ट कर दिया सिकंदराबाद में और औरतों की फौज बनाना स्टार्ट कर दिया, और देखते ही देखते हमारा लेवल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल हो गया, और जो हाईएस्ट पे आउट गया है यहां से 3,45,000 रुपीज गया है, दो गाड़ियां अचीव कर चुके हैं, वो औरत जो कि किसी और की बाइक में जाया करती थी, बाइक नहीं था, आज हमारे पास दो गाड़ियां हैं, इसी कंपनी की देन है, वन इटियोस लीवा टॉप मॉडल डीजल मॉडल है, और सेकंड होंडा डब्ल्यू आरवी जो कि 13 मई 2019 में हमने परचेज किया है, और रेंट के घर में रहते थे हम, एयरफोर्स के क्वार्टर में रहा करते थे, मेरे फ्रेंड या मैं किसी को बुलाने से भी कतराती थी, क्योंकि आपका एयरफोर्स एकोमोडेशन कैसा होता है, कोई भी एकोमोडेशन कैसा होता है, गवर्नमेंट एकोमोडेशन वो बहुत सालों पहले बना होता है और उसमें हर 5 साल के बाद कोई ना कोई चेंज मतलब आते रहता है, वो यूज करता है उस घर को, फिर एज इट इज छोड़ के चला जाता है, तो वो घर में मैं किसी को बुला नहीं सकती थी, और मेरी फ्रेंड कभी आएंगे तो वो बोलती थी कि आपके घर में बदबू आती है, आपके घर में दम घुटता है, ऐसा बोलते थे, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता था, लेकिन मैं मन मार के रहती थी, कोई बात नहीं, ये मेरा घर थोड़ी ना है। और इसी कंपनी के देन आज हमने एक फ्लैट परचेस किया है दिल्ली 99 में, जिसका रेट आज की डेट में 1 करोड़ तक पहुंच चुका है। 3 सपने हैं, उन सपनों को लेकर चल रही हूं, एक सपना बहुत पूरा होने जा रहा है, बहुत ही जल्दी हम कार बुक में भी आ जाएंगे, कार बुक में तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, लेकिन लग्जरी कार बुक में आने का समय हो चुका है। वी आर गोइंग टू परचेस BMW 2 सीरीज नियरली 48 लाख रुपीज ऑन रोड। एंड सेकंड ड्रीम है हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी में 3 करोड़ का विला बनाना चाहते हैं। एंड थर्ड ड्रीम है जिस पर मैं लगी हुई हूँ फर्स्ट डे से,
आई एम ऑन मिशन टू एम्पावर वुमन थ्रू कलर कॉस्मेटिक. मैं कलर कॉस्मेटिक को ही प्रमोट करती हूँ और भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हूँ, लेकिन जिसमें आपका पैशन है. भगवान ने मेरे को सुर नहीं दिया, नृत्य का कला नहीं दिया, इतना दिमाग नहीं दिया, लेकिन एक कला जो हर औरतों में इनबिल्ट होती है बचपन से ही, जब वो पैदा होती तो इनबिल्ट होती है. 2 साल के होते ही वो आंखों में काजल से, आंखों को काजल से सवारने लगती है और होठ लाली लगाने लगती है, क्योंकि वो अपनी मम्मी को देख रही होती है. तो वो कला को ही मैंने हथियार बना दिया और औरतों को भी सिखाने लगी कि मेकअप करके भी आप पैसा कमा सकती हैं. और आज ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट पूरे इंडिया में चला रही हूँ. 12 सीरीज कंप्लीट कर चुकी हूँ. नियरली 800 लेडीज लोगों ने पार्टिसिपेट किया है मेरे ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट में, और उनमें से कुछ औरतें आज स्टार डायरेक्टर के लेवल पे है, कोई सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे है, और बहुत सारी डायरेक्टर्स लेवल पर है. तो उनको इस अभियान के द्वारा ही मैं उस मुहिम में हूँ कि मैं औरतों को आत्मनिर्भर बना रही हूँ. तो अभी चलते हैं ट्रेनिंग पार्ट के ऊपर, है ना. आप लोगों ने मेरा स्टोरी सुना, ओके कैसा लगा वो तो आप लोग लास्ट में ही बताएंगे, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग. या तो आप सभी लोग सीधे बैठ जाइए. अगर आप लोग अभी तक लेटे थे तो याद रखिएगा, लेटते हम कब है? जब बीमार होते हैं, या तो फिर ऊपर जाने से पहले लिटाया जाता है जमीन के ऊपर, है ना. लेकिन आपको यहाँ पर कुछ करके जाना है ना, कुछ करके जाना है. तो आप लोग सीधे बैठ जाइए. नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरे को बहुत कुछ दिया, इस व्यापार ने बहुत कुछ दिया. जो 4 कारण मैं अपना कंक्लूजन निकालना चाहूंगी. पहला तो रात को आकर बर्तन मांजना और चूल्हा चौखा करना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. थक हार कर आती थी और रात को आते ही चाय खुद बनाओ और खाना परोसो और बर्तन मांजो, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था. और अपने हस्बैंड का जो पैसा देते थे उसी पैसे को बचा कर या चुरा कर उनके पॉकेट से उसी पैसे को मतलब कि इकट्ठा करके उन्हीं के बर्थडे में गिफ्ट करना. और गिफ्ट क्या करती थी? शर्ट, पिंक शर्ट, व्हाइट शर्ट, येलो शर्ट, यही कलर होते थे, बस यही गिफ्ट किया करती थी. कोई मान सम्मान नहीं था, कोई पहचान नहीं था, मेरा कोई भी पहचान नहीं थी. और यही कुछ कारण की वजह से, और समय की आजादी. मैंने अपने बच्चों को लेटे हुए देखा है, लेटे हुए ग्रो होते हुए देखा है. सुबह 7 बजे मेरे को पहुंचना पड़ता था ब्रांच, तो आपको घर से 4 बजे निकलना पड़ेगा. 4 बजे क्या आपके घर में बच्चे जगे रहते हैं? तो मेरे बच्चे कैसे जगे रहेंगे? और जब मैं रात को 9-10 बजे आती थी तो आपके बच्चे जगे रहते हैं? उस समय बच्चे निंद्रा अवस्था में रहते हैं. तो मैंने सोते हुए देखा और सोते हुए मतलब मैं उनको देखा है, बढ़ते हुए भी देखा है. संडे का समय मिलता था, लेकिन संडे के घर में इतने सारे काम होते थे कि मैंने आज तक उनको पार्क में खेलते हुए नहीं देखा. अगर आप अपने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देख रहे हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं. मेरे को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ. 2008 से लेकर 2020 तक मैंने नौकरी की है. तो ये 4 कारण थे जिस वजह से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के युग में कदम रखा, और ये 4 कारण आज मेरे जीवन से निकल चुके हैं. आज मुझे बर्तन मांजने और चूल्हा चौका करने की जरूरत नहीं है. मेड है घर में, वो संभालती है. टाइम फ्रीडम मुझे मिल चुका है. समय कैसे मुझे व्यतीत करना है वो भी मिल चुका है, क्योंकि 22 सितंबर 2020 को लास्ट वर्किंग डे था मेरा एक्सिस बैंक में. आज समय मेरा है, मैं डिसाइड करती हूँ कि कैसे व्यतीत करना है. और मान सम्मान तो बहुत हो रहा है. 1,30,000 से ज्यादा की टीम है जो कि नाम से पहचानती है. और आरएस भाटी सर को मैं नहीं जानती हूँ, शायद आप लोगों को भी नहीं जानती हूँ, लेकिन आप लोग मेरे को देख रहे हैं, है ना. गूगल सर्च में नाम आ रहा है, गूगल सर्च में आप लोग बोलेंगे हमारा भी नाम आ रहा है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जब मेरा बच्चा बोलता है कि मेरी मम्मी का नाम आता है. क्या आपकी मम्मी का नाम आता है गूगल सर्च में? है ना. तो नेम और फेम काफी सारा हो रहा है. और आज पैसे चुराने की जरूरत नहीं है, और हस्बैंड को गिफ्ट करने के लिए वो रेड शर्ट येलो शर्ट की जरूरत नहीं है. आज वो जो बोलते हैं वो खरीदा जाता है. तो आज इस व्यापार की देन है. नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है जो कि आपकी उम्मीदों को सच में कन्वर्ट कर देता है. नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है जो आपके सपनों को पूरा करता है. नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है जो कि एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करता है. नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है जो नई रिश्ते को बनाने का मौका देता है, और नए लोग जो लोग हैं उनके जीवन में भी बदलाव लाने का मौका देता है. नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है जो कि आपको बहुत इससे भी कई ज्यादा देगा. सबसे बड़ी बात नेम और फेम, और आम आदमी से खास बनाने का काम करता है ये नेटवर्क मार्केटिंग. तो ये सब तो आप लोगों को पता होगा,
लेकिन तब भी क्यों कुछ लोग ही इतने सक्सेसफुल होते हैं और क्यों कुछ लोग, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर असफल होते हैं? क्योंकि किसी को देखकर बिना कार को चलाए सीखे हुए, बिना सीखे कार को मतलब कैसे चलाते हैं, और आप किसी को देखकर या रोड पर चलती हुई गाड़ी को देखकर और आप जाते हैं और कार खरीद कर लेकर आ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो कार आप चला पाएंगे कि एक्सीडेंट कर देंगे? तो किसी को देख कर कि वो सफल हो चुका है, शोभा मैम 3 लाख से ज्यादा कमा रही है, आरएस भाटी सर इतना कमा रहे हैं, 1 करोड़ भी लोग कमा रहे हैं, उसको देख कर बड़े जोश में आकर और अपनी आईडी लगा देते हैं, और उसके बाद 4 लोगों को जब प्लान शो करते हैं, जब वो ना बोलता है तो फिर से जाकर वही लोग जो बोल रहे थे कि मैं तो इस बार सबको बाटली में लेकर आ जाऊंगा, सारे लोगों को इस बार तो सारे 6 लोग मेरे बनेंगे क्राउन डायरेक्टर, और जब 4 लोगों को प्लान शो करते हैं बिना सीखे, तो फिर वही इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को गालियां देता है। जब एक्सीडेंट होगा बिना कार चलाए सीखे, तो वो कार की गलती है कि आपकी गलती है? वो कार की कोई गलती नहीं है, वो तो आपकी गलती है कि आपने सीखा नहीं। जब आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए इंप्लॉय करते हैं जॉब के लिए, तो वहां पर आप क्या करते हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं, पढ़ाई में लगे रहते हैं, 5 साल पढ़ाई करते हैं, करते रहते, और फिर बाद में आपकी जॉब नहीं लगती है। तो क्यों नहीं लगती है? वो 5 लाख की जॉब किसी ना किसी को तो लगी है, जिसको लगी है उसने कुछ ज्यादा मेहनत किया है, 1% भी मेहनत किया है। अगर आपको 5 लाख की जॉब नहीं मिली या 1 लाख की भी जॉब नहीं मिली, इसका मतलब आपके अंदर कुछ कमी है। आपको अगर पाना है वो जॉब, अगर आपको इस व्यापार में 5 लाख प्रति माह कमाना है, तो 5 लाख बनने का कोशिश तो करना पड़ेगा, 5 लाख व्यक्तित्व का इंसान आपको बनना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे गवर्नमेंट जॉब में जब आप टेस्ट देते हैं तो मैथ, जीके, साइंस, एप्टीट्यूड और ये बहुत सारे क्वेश्चन इंग्लिश होता है, तो इसी प्रकार इस व्यापार में भी 5 लाख प्रति माह कमाने के लिए या 1 लाख प्रति माह कमाने के लिए आपको कार चलाना सीखना पड़ेगा, और अपने स्किल के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा। क्या है स्किल यहाँ पर? प्रेजेंटेशन स्किल। अगर आपको नहीं आता है, लोग आपसे नहीं जुड़ रहे हैं, इसका मतलब प्लान में कोई कमी नहीं है। उसी प्लान को दिखाकर आज कुशाल शर्मा 10 लाख प्रति माह कमा रहे हैं, डीके धीमन आज 6 से 7 लाख रुपए कमा रहे हैं, शिवम गोस्वामी 22 लाख रुपए कमा रहा है, शब्बी आज हैदराबाद कर्नाटका का 12 लाख कमा रहा है। तो प्लान में कोई कमी नहीं है, कंपनी में कमी नहीं है, कमी तो अपने अंदर देखनी है। प्रेजेंटेशन स्किल आपको सीखना है, और उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल सीखना है। बस ये कुछ स्किल है, ऑलरेडी आपके अंदर आपको बोलना आता है, सब कुछ बोलना आता है, लेकिन थोड़ा सा पॉलिश कर लीजिए ना, कुछ शब्दों का चुनाव कर लीजिए कि उस शब्द से आपका सामने वाला इंप्रेस हो जाए। कम्युनिकेशन स्किल पर आपको करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, ये सारे स्किल के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, लोगों को आप बदलाव देने जा रहे हैं, लोगों को एक ऐसा व्यापार और एक ऐसा धंधा देने जा रहे हैं जिससे उनके सपने पूरे हो सकते हैं, तो आपको भी उस सपनों लायक कि उनको सपने पूरे करने वाले हैं, तो आप भी ऊपर से नीचे वैसे दिखने चाहिए। सेल्स बॉय एंड सेल्स गर्ल एंड बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन में डिफरेंस होता है। हमको वो सेल्स बॉय और सेल्स गर्ल जैसा नहीं बनना है, बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन की तरह बनना है। तो अगर प्लान शो करने जा रहे हैं तो हल्का सा एक शर्ट डालिए, ट्राउजर डालिए, थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से परफ्यूम लगा लीजिए, बाल संवार लीजिए, सॉक्स ढीली नहीं होनी चाहिए, शूज पॉलिश होने चाहिए, और आपका टूल किट आपके साथ एकदम अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें चाय का दाग और तेल का दाग होना चाहिए। और जो डायरी है, डायरी कोई भी LIC की डायरी नहीं होनी चाहिए, डायरी होनी चाहिए या तो वेस्टिज की या तो कोई प्रिंटेड ना होना चाहिए। थोड़ा सा प्रोफेशनल, अगर आप लेडी हैं, प्लान शो करने के लिए जा रही हैं, मिस्टर ऑफ मिलान को और विलेन को प्रोडक्ट करने जा रही, प्रमोट करने जा रही हैं, तो आपको भी देख रहे हैं लोग कि आप यूज करती हैं कि नहीं, तो मेकअप आपको भी करके जाना है। और हल्का कुर्ता पहन लीजिए, या साड़ी पहनना चाहते हैं तो साड़ी पहन लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस से अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस कीजिए। और ये इनहेंसमेंट कैसे होगा, जब आप डेली मीटिंग में आएंगे, मीटिंग का पार्ट बनेंगे, जूम सेशन में बनेंगे, आते रहेंगे। तो ये कुछ स्किल है आपको ध्यान में देने हैं। और औरतों के लिए तो ये व्यापार काफी अच्छा है। मैं औरतों को वो सब नहीं बोलने वाली हूँ कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम आएगा, यहाँ पर बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं बस इतना बोलने वाली हूँ कि आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा,
जब आपको दुनिया बदलते हुए देखती है ना, तो वो खुद बदलना स्टार्ट हो जाती है। सबसे बड़ी बात, हर पीटीएम में, पेरेंट्स मीटिंग में आप अपने हस्बैंड को धक्का देकर भेजती हैं। आप क्यों नहीं चाहती हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं है कि वहां पर टीचर क्या पूछ लेगा, है ना। कौन ये कॉन्फिडेंस देता है? ये व्यापार। क्योंकि यहाँ पर आप बोलना चालना स्टार्ट कर देती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी कम्युनिकेशन स्किल इनहेंस हो जाती है। कम्युनिकेशन स्किल को इनहेंस करने के लिए कितने सारे इमेज कंसल्टेंट और कितने सारे ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं, जहां पर लाखों रुपए लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस व्यापार को करते करते आपके अंदर ये सारे बदलाव आ जाते हैं। जब आप बदलने लगती हैं, तो आपका परिवार भी आपका ओपिनियन मांगने लगता है। वही इंसान जो आपको घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रहा था, जो कि कोई भी कभी भी कोई भी बड़े ओकेजन में आपका ओपिनियन नहीं मांग रहा था, लेकिन जब आपके अंदर बदलाव देखता है, समाज आपको रिस्पेक्ट दे रहा होता है, तो वही आपको बैठा कर आपसे ओपिनियन मांगते हैं कि ये जमीन खरीदना है, ये मकान खरीदना है, यहाँ पर शादी करानी है, आप क्या कहती हो। और जॉब होल्डर को तो चाहिए एक एक एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचिएगा, है ना। बहुत बार सुना है आपने कि अगर आप एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, तो पैसिव इनकम का के लिए तैयारी कर लीजिए। ये सत्य है, कर लीजिए, क्योंकि 2030 आने वाला है। अभी से ही हर जगह पर टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन है। कभी आपने सुना था कि मतलब एटीएम से पैसे निकाले जाएंगे, लेकिन एटीएम से पैसे निकल रहे हैं। और कभी आपने सुना था कि प्लास्टिक मनी भी आएगा, प्लास्टिक मनी भी आ चुका है। अभी तो फिर इलेक्ट्रिक मनी भी आ गया है, पेटीएम गूगल पे कर लीजिए। आगे जाके क्या क्या आएगा पता नहीं है, लेकिन वो सारे लोग जो इन्वॉल्व थे फिजिकली, उन सबकी जॉब चली गई। आने वाले समय में तो और जॉब जाएंगे, आने वाले समय में ऑटोमेशन पूरा कब्जा कर लेगा। और जो होटल्स में अभी सर्विस करने के लिए आपके पास वहां पर वो होते हैं, वेटर्स होते हैं, उस समय रोबोट्स आएंगे, जो कि वे आपको बस एक ऑप्शन होगा टेबल पर, बस क्लिक करना है कि क्या चाहिए, और अपने आप से रोबोट लेकर आ जाएगा खाना। हर जगह ऑटोमेशन। पहले बर्तन मांजते थे होटल्स में वर्कर्स, अब बर्तन मांजने के लिए कॉर्पोरेट्स में बड़े बड़े मशीन है, डिशवॉशर्स, जो कि प्रेशर से पानी डालते हैं, अपने आप से गर्म पानी, ठंडा पानी, और अपने आप से बर्तन मंज जाता है, और वो एकदम अच्छे से बर्तन मंजता है। जो वर्कर्स होते थे कहीं ना कहीं विम बार छोड़ देते थे, लेकिन अब तो मशीन कभी भी गलती नहीं कर सकता। इंसान गलती कर सकता है, मशीन गलती नहीं कर सकता। इंसान धरने पर बैठ सकता है कि सैलरी कम हो चुका है, मेरे को सैलरी बढ़ाओ, लेकिन रोबोट या ऑटोमेशन धरने पर कभी नहीं बैठेगा। उसको रिचार्ज कर दो, इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिसिटी में लगा दो, और वो रिचार्ज हो जाएगा, और वो इतना काम करेगा, आप थक जाएंगे, लेकिन वो थकेगा नहीं। आपको बुढ़ापा आ जाएगा, उसको बुढ़ापा नहीं आएगा। आपके जोड़ों में दर्द होगा, आपकी आंखें में पानी कम हो जाएगा, लेकिन उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी और उसमें रोबोट में, लेकिन हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वो हो जाएगा, मतलब ये सब धरना वरना बंद हो जाएगा। लेकिन लोगों का क्या होगा, आपके घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो जब एक ऐसा व्यापार इस सेमिनार के थ्रू आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया जा रहा है, जिस जो व्यापार 1886 में स्टार्ट हुआ था, उस समय में भी लोग ही काम करते थे, आज भी लोग ही काम करते हैं, और आने वाले समय में भी लोग ही काम करते रहेंगे, तो क्या ये खराब है धंधा? बिल्कुल भी खराब नहीं है। अपने घर के खर्चे को बचाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में खर्चा तो आपका मांगेगा ही। आपके बच्चों की शादी होगी, तो क्या उस समय क्या कैसे करेंगे? 2030 आने वाले 9 साल के बाद ही, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है, समय बीतते देरी नहीं लगता, है ना। तो अभी से स्टार्ट कर लीजिए। और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैं और कुछ नहीं बोलूंगी कि आपको कार चाहिए या बाइक चाहिए, कुछ नहीं, बस इतना बोलना चाहती हूँ कि 2 साल हो चुके हैं कोविड में, और सारे बच्चे पास आउट होकर घर में ही बैठे हैं। उनका थ्योरेटिकल नॉलेज क्या होगा, जो कि 2 साल से मोबाइल में बैठे हैं, पबजी खेल रहे हैं कि क्या खेल रहे हैं,
चलो थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले के जमाने में गवर्नमेंट सर्विस के लिए, जॉब के लिए आपका वाइवा होता था, मतलब कि ग्रुप डिस्कशन हायर पोस्ट के लिए होता था। जब मैं बैंक में हायर पोस्ट के लिए गई थी तो उस समय मेरा ग्रुप डिस्कशन हुआ था, लेकिन अब तो इतनी तादाद में बच्चे पास आउट होकर घर में बैठे हैं और सरकार के पास नौकरी बस नामात्र है, और उस नामात्र नौकरी के लिए इतनी तादाद में सब अप्लाई करते हैं, तो फिर कैसे होगा? वो लोग क्या करेंगे, पहले वाइवा कर देंगे, वाइवा में सारे बच्चे निकल जाएंगे जो पास आउट होंगे वाइवा से, फिर ग्रुप डिस्कशन में बैठा दिया जाएगा, और ग्रुप डिस्कशन में वही बच्चा पास करेगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। वहां पर थियोरटिकल नहीं देखा जाता, जो बच्चा नेता होगा वही जीतेगा, जिसको बोलना अच्छा आता है ग्रुप डिस्कशन में। और फिर जब ग्रुप डिस्कशन पास करता है तो वहां पर इंटरव्यू के लिए जाता है, और इंटरव्यू जो होता है एज में बड़ा होता है, एकदम प्रोफेशनल होता है, उसको देखते ही पसीने छूट जाएंगे उसके, क्योंकि अभी तक लोगों से बातचीत करना स्टार्ट नहीं किया ना, पीपल स्किल ने स्टार्ट किया, वही मम्मी वही पापा वही घर के लोग। थियोरटिकल नॉलेज से नहीं होता है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पीपल स्किल आपको बहुत ही कुछ देने वाला है, तो उसको इनहेंस करने के लिए ये व्यापार के स्वर्ण द्वार आपके लिए खुले। और जो हमारे रिटायर्ड पर्सन है, आप तो इतने सालों से काम किए, अब रिटायर होके घर पे बैठ गए, तो खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है, और खाली दिमाग में बहुत सारे खाली मतलब ख्याली पुलाव पकाए जाते हैं। और जब इंसान खाली रहता है ना, तो वो क्या करते हैं, अपने घर में जो यंग होते हैं ना, उनको देख देख के कहीं ना कहीं उन जेलस हो रहे होते हैं। तभी तो बहुत सारे घर में वो सास बहु का मतलब सीरीज चल रहा, अभी तक चल रहा है ना। तो अगर आप बिजी रहते हैं अपने सपनों के लिए, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने माइंड को बिजी रखना चाहते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना चाहते हैं, तो ये व्यापार बहुत ही अच्छा है आपके लिए, है ना। रिटायर हो गए तो क्या हुआ, अपने अपने अपना खर्चा निकाल सकते हैं, अपना माइंड को सही कर सकते हैं, वो कड़वाहट नहीं आएगी किसी को खुश देखते हुए, अपनी बहू को खुश देखते हुए कड़वाहट नहीं आएगी आपके अंदर। तो ये द्वार जो नेटवर्क मार्केटिंग के हैं सभी के लिए खुले हैं, बस करना क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट में एंट्री हो रही है, लेकिन रिटेंशन करके रहना है, और रिटेंशन करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, 3 साल तो सीखना पड़ेगा, और 3 साल आपको सीखते सीखते, और यहाँ पर लोगों को भी आपको क्या बनाना है, जैसे कि उनके भी सपने पूरे करवाने हैं, अपने नीचे बहुत सारे लीडर्स को आपको क्रिएट करने हैं, आपका वाई पहले दिन से ही क्लियर होना चाहिए कि ये व्यापार आपको क्यों करना है। जिसका वाई क्लियर होगा उसका हाउ बहुत ही अच्छे से होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इस बातें तो आपने सुनी हुई है ना। लेकिन फिर से हम वही बोलेंगे कि आपके पास 3 ऑप्शन है, कंज्यूमर बनने आए हो, कि 10-15 हजार कमाने आए हो, कि लाखों कमाने आए हो। कंज्यूमर बनने आए हो तो आप लोगों का तो वो फितरत ही है, जहां पर बेनिफिट दिखे वहां पर भाग जाओ। फेसबुक में बेनिफिट दिखता है 50% ऑफ, तो वहां से खरीदारी हो जाती है। अमेजोन से दिखता है दिवाली ऑफर, तो वहां से खरीदारी हो जाती है, तो खुश हो जाइए। वेस्टिज भी आपको बहुत सारे ऑफर्स दे रहा है, नियरली 50% का तो ऑफर देता है, मिनिमम 45%, मैक्सिमम 61%, क्योंकि यहाँ पर भी लकी ड्रॉ होता है। यहाँ पर 20% कंसिस्टेंसी ऑफर होता है, 10-20% डिस्काउंट होता है, 10% फ्री प्रोडक्ट होता है, और सारे प्रोडक्ट टेस्टेड एंड प्रूवन एंड 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी। तो कंज्यूमर बनने आए हो तो खुश हो जाइए, यहाँ पर नॉर्मल जगह से फायदा है। अगर 10-15 हजार रुपए कमाने आए हो तो वो तो कहीं से भी कमा लेंगे, आप ट्यूशन पढ़ा लेंगे या सिलाई कर लेंगे या पार्लर चला लेंगे। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए कमाने आए हैं, तो वो गवर्नमेंट सर्विस इंप्लॉय की तरह, जहां पर वो अप्लाई करता है तो 5 साल पढ़ाई करता है, अपने स्किल को इनहेंस कर रहा होता है, मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, जीके पढ़ रहा होता है, अपना एटीट्यूड जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसको इनहेंस कर रहा होता है, तो आपको भी यहाँ पर अपने स्किल को इनहेंस करना है और अपनी अपलाइन की बातें सुननी है, उनकी बातों को मानना है। अपलाइन भले ही अभी आपको सही ना लग रहा हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान अर्जित हो जाता है, हम सब ज्ञानी हैं, है ना। धीरे धीरे जब ज्ञान आने लगता है, अर्जित होने लगता है, तो घमंड भी आने लगता है, और उनका अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि अपलाइन ने हमारे लोगों का पैसा नहीं, हमारे लोगों पर पैसा नहीं लगाया,
कुछ भी होता है घमंड हो जाता है, और फिर बोलते हैं कि ये क्या सिखाएगा हमको, हम अपनी अलग गंगा बहाएंगे। तो अपनी अलग गंगा बहाने के उसमें क्या करते हैं, अपना ही मीटिंग सेशन और अपने ही लोगों में खेलने लगते हैं। तो याद रखिएगा कि जो चाबी होती है ना, चाबी को बहुत घमंड होता है, चाबी घमंड होता है कि वो बाइक खोलता है, मैं बाइक खोलती हूँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ, मैं गोदरेज खोलती हूँ, मैं हर चीज खोल देती हूँ, और छल्ला तुम क्या करते हो, बस लटके रहते हो मेरे साथ। तो छल्ले ने जवाब दिया कि अगर मेरे से दूर हो जाओगी ना तो तुम्हारा अस्तित्व कुछ नहीं है, या तो यहाँ वहां पानी में फेंकोगे तो हम उसको ढूंढ पाएंगे, अगर यहाँ वहां पड़े रहेगा तो मिट्टी जम जाएगी या तो जंग लग जाएगी, और फिर किसी काम का नहीं है। छल्ले के साथ रहेंगे तो अस्तित्व नहीं खराब होने वाला। अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा रखिए, एक दिन या एक सेकंड पहले भी ज्वाइन हुआ है तो आपका अपलाइन है, कुछ भी बोल रहा है तो आपके सही के लिए बोल रहा है। और घमंड हो तो याद रखिएगा कि पत्थर को भी घमंड होता है कि वो भारी है, लेकिन जैसे ही पानी में फेंका जाता है ना तो अपने ही घमंड से वो डूब जाता है। तो कभी घमंड ना करें, और हमेशा धन्यवाद देते रहिए उस ऊपर वाले परमात्मा को जिसने हर एक सुख सुविधा के साथ आपको कुछ ना कुछ सोल पर्पस से यहाँ पर भेजा है। अगर आपके पास कोई द्वार पर अपलाइन आ रहा है, क्या प्लान शो करवाने आ रहा है, तो याद रखिएगा ऊपर रचा गया है पहले से कि इस सेकंड में आपके द्वार पर एक इंसान आएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करेंगे कि छोड़ देंगे। अब जब छोड़ देंगे फिर बोलेंगे भगवान को कि तुमने तो मुझे कुछ नहीं दिया, तो वो बोलेगा कि भाई देखो उस समय में तेरे द्वार पर एक इंसान को भेजा था, वो तो तुमने नहीं सुना, मैंने तो बार बार कोशिश किया। बार बार आप लोगों के पास जो कॉल आता है ना तो वो ऊपर रचा गया है, ना कि यहाँ पर हम लोग रचते हैं। तो आपको ग्रैब करना है क्योंकि 2030 आने वाला है और बहुत कुछ करेगा 2030 में। हर जगह रोबोट होंगे, हर जगह ऑटोमेशन होगा, आपका घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि घर का खर्चा चलाने के लिए तो रोकड़ा चाहिए, और रोकड़ा कमाने के लिए कुछ ना कुछ व्यापार करना होगा, और ये व्यापार बहुत ही बढ़िया व्यापार। सो यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओवर टू आरएस भाटी सर। थैंक यू सर। शोभा मैम की जय हो। सैल्यूट मैम, रियली रियली सैल्यूट, बिल्कुल सुपर डुपर रियली रियली। आज आप देख पा रहे हैं 100 के 100, यानी एक भी कम नहीं। सैल्यूट मैम, और वाकई आपने क्या मतलब उस शब्दों की तालमेल से आपने एक एक मतलब वर्ड से एक एक इंसान को समझा दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला। मुझे आई नो, मैं जानता हूं कि आपके पास में समय नहीं था और आप बिजी शेड्यूल थे, आपका बिजी शेड्यूल था, फिर भी आपने कहा कि माजी सर मैं अपना समय निकालूंगी। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि आज आपने इतना बढ़िया तरीके से आपने एजुकेट किया और एजुकेशन दिया। मैंने बहुत सारे पॉइंट नोट किया और इस यूट्यूब में लिंक को मैं बार बार देखना चाहूंगा कि रियली, और यहाँ जितने भी बैठे लीडर हैं आपकी एक एक बात से उनको समझ में आया कि 2030 रोबोट लेने वाला है, बिल्कुल मशीनरी आने वाली है। और ईश्वर, आपने कहा कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, बिल्कुल डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि हम उस अपॉर्चुनिटी को कैच करते हैं या छोड़ते हैं, ये हमारे ऊपर है। एक बात और अच्छी बात बोली कि 20,000 नहीं दे रहे हम, किडनी दे रहे हमारी निकाल के। एग्जैक्टली 20,000 की वैल्यू, जिसको पता है ना कि जो पैसा नहीं कमाता। तो आपके वर्ड रियली मैम, जबरदस्त ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली। और काफी आप लीडर को देख पा रहे हैं, सभी के चेहरे स्माइलिंग, बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, यानी कि 100 के 100 नहीं, और भी घुसने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन घुस नहीं पा रहे। और मैं बाकी YouTube पे है, सारे के सारे YouTube पे भी आपको सुन पा रहे। तो मैम मैं आपका 5 से 10 मिनट और लेना चाहूंगा, इजाजत है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे बीच में यहाँ होता है कि सेशन कंप्लीट करने के बाद में, सुपर फ्राइडे करने के बाद में 5 मिनट बाद में मुझे टेंशन होनी शुरू हो जाती है, यहाँ पे 100 के 100 सबके हैंड रेस हो जाते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास में टाइम की कमी होती है ना। तो प्लीज निवेदन है मेरा सभी से
कि मैं लोअर हैंड कर लेता हूँ और स्टार एंड अबाउट जितने भी हैं मैं उनसे ही बात करवाना चाहूंगा। स्टार एंड अबाउट मुझे पता है सभी बात करना चाहेंगे, लेकिन प्लीज स्टार एंड अबाउट उनसे मैं बात करवाना चाहूंगा, उसी उन्हीं लीडर से मैं बात करवाना चाहूंगा। वैष्णवी राजूकर मैम से सबसे पहले तो बिल्कुल यूथ आइकन जबरदस्त लीडर महाराष्ट्र से मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा नाम है वैष्णवी राजूरकर मैम, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और बिजनेस को 1.5 साल पहले शुरुआत किया था मैम। और जैसे कि आज आपने यूथ के लिए जो बोला है मैम, वो सच में एग्जैक्टली मैम एग्जैक्टली आपने वही सच बोला है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलेगी और 2030 आने वाला है, फिर पता नहीं क्या होगा। तो एग्जैक्टली मैम, और एक मतलब हमारे भी बहुत सारे न्यू मतलब बैठे हुए थे, मैंने भी कुछ दिन पहले प्लान दिया था तो ये बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब आने वाले दिनों में जॉब कुछ खत्म नहीं हुए है, ऐसे लोगों का बोलना था। तो हमने भी यही चीज जो आपने आज बताई है उसी तरीके से हमने हैंडल किया और वो बहुत सारे लोग आज हमारे पास ज्वाइन भी हो चुके हैं मैम। और जिस तरीके से आप मिस्टर ऑफ मिलान पे वर्क करते हैं तो उसी तरीके से मैं भी एग्जैक्टली मेरे मदर के साथ मिस्टर ऑफ मिलान पे वर्क करती हूँ। मेरे मदर का भी छोटा सा पार्लर है, उसके साथ साथ हम वर्क करते हैं, एज अ स्टार डायरेक्टर वर्क कर रही हूँ मैम। और जिस तरीके से आज आपने जो सेशन बताया मैम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मैम, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच मैम। हम आपका सेशन दोबारा दोबारा देखना चाहेंगे और अगर मिलना होता है तो जरूर हम कोशिश जरूर करेंगे कि आपसे मिलने की भी। सो थैंक यू सो वेरी मच मैम। थैंक यू। और मैं यूथ को यही बोलना चाहूंगी कि याद करिए कि पहले आपके माँ बाप जो होते थे पीसीओ से फोन किया करते थे और जो पीसीओ बूथ चलाने वाला होता था उसको लगता था कि अब तो मेरी बन गई, अब तो मैं पीसीओ बूथ चलाकर ही पैसा कमाऊंगा। लेकिन फिर मोबाइल की एंट्री हुई और जब मोबाइल की जब एंट्री हुई तो उन्होंने सोचा चलो रिचार्ज करके पैसा कमाऊंगा। और जब रिचार्ज करना स्टार्ट कर दिए तो फिर उसके बाद गूगल पे आ चुका है। Yes. तो हर जगह टेक्नोलॉजी तो ले ही रहा है आपका, है ना, व्यापार पे कहीं ना कहीं लात मार रहा है। तो आने वाले समय में जीपे के बाद क्या आएगा पता नहीं, है ना। तो अभी से तैयारी कर ले तो बहुत ही अच्छा है। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। आपने बोला एसटीडी, बिल्कुल आरएस पार्टी ने एसटीडी पीसीओ पे बैठता था, 800 रुपए मुझे मिलते थे महीने के 8 घंटे के, और लड़ाई होती थी 10 बजे के बाद में, शाम को 1/4 लगता था उस समय, लड़ाई होती थी पहले में, और इंटरनेशनल कॉल होता था 12 बजे के बाद में। तो ये और उसके बाद में कॉइन बॉक्स दुकान दुकान जाके मैंने लगाए। तो मैम बिल्कुल आपने सही कहा कि चेंज हम अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो हम बहुत कुछ खो देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे बीच में है अमित जी, आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है, और बिल्कुल अमित जी, अमित कनाके सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे मैम के साथ मिलाने के लिए, बात करने के लिए, एंड वंडरफुल सेमिनार मैम। आज का मैंने सेमिनार से बहुत सारी चीजें आपसे सीखी है, जैसे कि आपने अपलाइन के ऊपर एक कहानी बताई जो चाबी और छल्ले की कहानी, जो मैंने नोट डाउन करके रखी और मैं इस बिजनेस के अंदर इसको मैं अप्लाई करूंगा। नेक्स्ट आपने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल, प्रोस्पेक्टिंग स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल, तो मैं तीनों के ऊपर और ज्यादा बेहतर करूंगा अपने आप को और प्रेजेंट करूंगा इन नेटवर्क के अंदर। तो मैम आज की जो वेबिनार है वो मुझे बहुत बहुत मतलब हार्ट टचिंग लगा, जो फ्यूचर आपने बता दिया हमें। मैं एक यूथ हूं तो थोड़ा समझ पा रहा था, तो फ्यूचर आने वाला फ्यूचर रोबोट्स का होने वाला है, और हम उससे पहले अगर 3 साल पहले अगर हमने वो सारा नेटवर्क क्रिएट कर लिया तो बहुत बढ़िया होने वाला है। सो मैम थैंक यू सो मच आपने आंखें खोलने के लिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अमित जी। जैसे फिर से एक और एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी, जब ट्रैक्टर इंडिया में नहीं आया था उस समय लोगों के पास बहुत जमीन हुआ करती थी और उस जमीन पर वो लोग खुद जाकर फील्ड किया करते थे, क्रॉपिंग किया करते थे। लेकिन उस समय जो यूएस था और जो अब्रॉड के लोग थे उन्होंने सोचा कि लोगों को इतना क्यों इन्वॉल्व करना, मेहनत लगेगा, उन्होंने ट्रैक्टर बनाना स्टार्ट कर दिया, बहुत जल्दी जल्दी क्रॉपिंग करने लगे और बहुत जल्दी जल्दी उधर अनाज पैदा होने लगे। लेकिन हमारे इंडिया वाले लोग बहुत ही लेट में ट्रैक्टर आया, जब तक लेट हो चुका था तो उस समय पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका था, और जब ट्रैक्टर आया तो आप ही सोचिए जो इतने सारे लोग जो फील्ड कर रहे थे, जब ट्रैक्टर आने के बाद उनका क्या हुआ जॉब का, है ना, कुछ भी नहीं हुआ। लोग तो बढ़ चुके हैं, अब लोग बढ़े तो ट्रैक्टर काम कर रहा है, तो जो खाली बैठा है इंसान क्या कर रहा है,
कुछ भी नहीं कर रहा है। आने वाले समय में इससे भी भयंकर आने वाला है, सब जगह रोबोट होंगे, सब जगह रोबोट। आजकल बड़े बड़े होटल्स में वेटर भी आपसे नहीं लेता है कि क्या खाना है क्या पीना है, आजकल तो मशीन है जहां पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली किचन में चला जाएगा, और किचन से भी वेटर नहीं लेकर आता है, ट्रेन आता है, या मैंने तो देखा ट्रेन वाली ट्रेन आती है वहां से, है ना। तो आप सोचिए वो सारे लोगों का जॉब क्या होगा। यस मैम, यस डेफिनेटली मैम। सो मैम, मैं तो अभी बस वेस्टीज में फुल करियर बना चुका हूँ, बट आगे भी मुझे बहुत बड़ा करना है, बस आपका आशीर्वाद रहे। बिल्कुल, आशीर्वाद आप लोग के साथ है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल, नेक्स्ट है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से, इनका माइक अनम्यूट नहीं करूंगा तो मुझे भी डर लगता है इनसे। हवा सिंह जी, डायमंड डायरेक्टर, बिल्कुल आपका माइक अनम्यूट किया सर। थैंक यू फॉर इन्वाइट मी राजेंद्र सर, थैंक यू सर भाटिया सर। सबसे पहले तो सर आपको मैं सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ यार, जबरदस्त प्रोग्राम आप हर एक लीडर को लेके आते हो अपनी टीम के लिए, सलूट, जबरदस्त कमिटेड हो, और सबसे पहले आप ऑर्गेनाइज करते हो पूरी प्रोग्राम का, थैंक्स अपनी टीम का। दूसरा थैंक्स, दोबारा जो प्रोग्राम होगा वो शुक्रवार को होता है आपका, फ्राइडे का, उससे पहले दिवाली आ चुकी होगी। आपको मैम को और सभी को मेरी शुभकामनाएं दिवाली की, जो भी लीडर बैठे हैं सबके अमाउंट में अगली दिवाली तक 1,00,000 रुपए सबके अकाउंट में। दूसरा हमारे चीफ गेस्ट शोभा मैम का दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम में आए, उसने इतना जबरदस्त मतलब सेशन दिया, उनकी जो जिसे हम बोल सकते हैं कहानी थी, जो संघर्ष बनी, उनके पास मेरे पास शब्द नहीं है। दूसरा उन्होंने ट्रेनिंग दिया, वो मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ज्यादातर लीडर स्लाइड पे देते हैं, स्लाइड के बाद बोलते हैं, मैम ने बगैर स्लाइड ही व्याख्यान कर दिया, तो उनके संघर्ष भरी सहानी की जवाब नहीं, मेरे पास नहीं शब्द है, कोई शब्द नहीं बोलूंगा मैम के लिए, बस इतना बोलूंगा कि एक लेडीज होते हुए इतना संघर्ष भर के वो 3.5 लाख तक पहुंच सकती है, तो हम भी पहुंच सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जब उनको जरूरत है तो दोस्तों हमें ज्यादा जरूरत है। मैम जबरदस्त, मैम जबरदस्त प्रोग्राम है मैम, थैंक यू। मैं अपना परिचय दे देता हूँ एक बारी, मेरा नाम हवा सिंह है, दिल्ली पुलिस में जॉब करता हूँ, 25 साल की जॉब हो चुकी, 50 साल की उम्र है, बात करें 70,000 के करीब मेरे को दिल्ली पुलिस से मिल रही है। इस बिजनेस को करते हुए मेरी वाइफ बिजनेस करती है, मैं उनकी हेल्प करता हूँ, हम दोनों मिलकर इस कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहे हैं। पहले इनकम हमारे यहाँ से 58 रुपये आई थी, हाईएस्ट इनकम 81,000 है, डायमंड का लेवल है। बात करें तो किया सेल्टोक्स गाड़ी मैम ने मेरे को 25 साल की शादी की सालगिरह पे मुझे गिफ्ट दी, आप देख पा रहे हो, मैंने अपना वीडियो बंद किया एक मिनट के लिए, मैम का दिल से थैंक शुक्रिया अदा, और बहुत अच्छा लग रहा है मैम, लाइफ चेंज होगी। और अभी आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि यूथ 2 साल के अंदर कोरोना कोविड के समय में घर बैठे हैं। मैम मेरे बेटे ने अभी 12th की है, 12वीं की है, और मेरे बेटे को मैंने ज्वाइनिंग करवा दिया, और दोनों बाप बेटा मिल के बड़ा बिजनेस करेंगे, लगे हुए हैं, दबा के शुरुआत कर दी है। और मुझे ये अच्छी तरह, मेरे पास बहुत लोग आते हैं यार पैसा ले लो पुलिस में मेरे बेटे करा दो, मगर मैं उनको प्लान दिखाता तो मेरे घर से भाग जाते हैं, तो मैं अपने बेटे को नहीं करवाना चाहता यार, थैंक्स। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, थैंक्स, मेरा बेटा टॉपर नहीं है, नौकर होता है यार, इसलिए वेस्टीज करे, थैंक यू, लव यू, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। सबसे पहले तो शोभा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहूंगा आज हमारे चैनल पर, इतनी शानदार और जबरदस्त मीटिंग और ट्रेनिंग के लिए, रियली सैल्यूट यू मैम। जिस तरह से आपका नाम है उससे भी बढ़कर, कई गुना बढ़कर आज आपकी ट्रेनिंग रही है ना, और जबरदस्त, और आपकी स्ट्रगल भरी कहानी, जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रगल भरी कहानी सुना रहे थे, शायद आपकी आंखों में आंसू थे या नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोगों की आंखें नम जरूर थी। बहुत ही जबरदस्त, रियली रियली प्राउड ऑफ यू, और सैल्यूट करता हूँ आपके इस तरह के जज्बे को, है ना। और जैसे अवय सर ने बताया कि आपने बिना स्लाइड, बिना कुछ स्लाइड दिखाए, आपने जिस तरह से ट्रेनिंग दी, रियली आपने बिल्कुल उस तरह की आपने एजुकेशन इस सिस्टम से लिया है, अपने आपको उस तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि आपको किसी भी तरह के स्लाइड की जरूरत ही नहीं रहती। सर ये सब दीपक सर, मेरे हस्बैंड भी स्लाइड प्ले नहीं करते हैं, हम लोग स्लाइड इसलिए नहीं प्ले करते हैं कि लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और जब मोबाइल फुल हो जाता है मेमोरी, तो सबसे पहले उन्हीं स्लाइड का जो स्क्रीनशॉट है उन्हीं को डिलीट किया जाता है, लोगों की नजरों में वो स्लाइड का इम्पोर्टेंस नहीं है, तो मैं बिना स्लाइड के ही प्रेजेंटेशन देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से 100% सहमत हूँ मैम, और बिल्कुल जो आपने यूथ के लिए और आज के जमाने की जो बात बताई है, और
कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। और जैसे अभी आपने ट्रैक्टर वाली कहानी बताई थी, तो मेरा खुद का प्रोफेशन ट्रैक्टर चलाने का ही है, खेतीबाड़ी करता हूँ। और लगभग 3.5 साल पहले मेरी एंट्री इस वेस्टीज प्लेटफॉर्म पे हुई थी। अभी डायमंड डायरेक्टर का लेवल है, एक बलेनो गाड़ी सिस्टम से अचीव किया, एक फॉरेन टूर किया और हाईएस्ट 80,000 की इनकम रही है। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जैसे जैसे ट्रैक्टर की सुविधा बढ़ी है, उसी तरीके से खेती की जमीन की मात्रा बहुत कम होती जा रही है जी। तो आज से मान लीजिए 5-6 साल पहले जितने बड़े खेत में हम काम कर रहे थे, आज उनका 1/4 खेत भी नहीं बचा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है जी। पॉपुलेशन बढ़ गई और व्हीकल बढ़ गए, तो हमारे जो काम का हिस्सा बहुत कम हो चुका है ना, और कंपटीशन और महंगाई भी बढ़ गई और कंपटीशन भी बढ़ गया जी। तो इस तरह अपने आप का बदलाव करना पड़ेगा, और जब तक बदलाव नहीं करेंगे तो एक दिन HMT और उसकी तरह खत्म होना पड़ेगा, नोकिया की तरह। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम दिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट है मेरी, देखिए परिवार नहीं करता इस इंडस्ट्री को, और स्पेशली हमारे खास अजीज होते हैं, तो वही होता है कि हम जब प्लान देने जाते हैं तो वो उसको इग्नोर करते हैं ना। तो आप ये देखिए कि ये जो नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में आ रहे हैं, ये मेरी रियल सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, डायमंड डायरेक्टर रेखा चौहान। बिल्कुल रेखा एंड सुरेंद्र सिंह जी को मैं इन्वाइट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मैम, परिचय देना चाहूंगी। सबसे पहले नाम रेखा चौहान है। 3.5 साल पहले भाटी सर के जरिए ये सिस्टम मेरे पास आया था और मैंने सिस्टम को कैच किया, और करते हुए अभी आज डायमंड डायरेक्टर हूँ, जोधपुर राजस्थान से हूँ। और जैसे कि मैम आपकी जो ट्रेनिंग आज की, मतलब बहुत पावरफुल सेशन रहा, और कहते ना कि विजुलाइजेशन का पावर है मैम। मैंने आपको मॉर्निंग सेशन में सुना था, मतलब मेरी नजर आपसे नहीं हट रही थी, मुझे इतना मतलब अच्छा लगा था रियली मैम। और ये बात में एक हो गया कि मैम को जरूर हम जूम पर बुलाएंगे और मैम को सुनेंगे और मैम से बात भी करेंगे। आज देखिए वो पल आ चुका है। और जैसे कि काफी लीडर्स ने बोला है कि आपने विदाउट स्लाइड इतना शानदार सेशन, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैम आपने समझा दिया कि ये बिजनेस हमें क्या देता है, इसमें कितना बड़ा पावर है। इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आए तो मैम किसी का हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस सिस्टम में है, और आप जैसे सभी लीडर्स के साथ में हम इसको इसमें वर्क कर रहे हैं। और स्पेशली मैम मैं बताना चाहूंगी कि मैं जोधपुर राजस्थान में फीमेल के ऊपर वर्क कर रही हूँ। जितना हो सकता है मैं चाहती हूँ कि फीमेल आत्मनिर्भर बने, क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ प्लानिंग करने, जिस फीमेल से बात करती हूँ, तो अक्सर मुझे डरी डरी सहमी सहमी वो फीमेल मिलती है जिनको लगता है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकती है। तो मैं, मुझे आशीर्वाद आप सभी लीडर्स का चाहिए कि मैं उन फीमेल का वो डर भगा सकूं, उनको आत्मनिर्भर बना सकूं। बिल्कुल मैम, इसको करने के लिए बस मैं औरतों को यही बोलना चाहूंगी कि कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना ना आए हमको, तो हमने अपना इम्यूनिटी को बूस्ट किया था, है ना। तो अगर आपको वो लोगों की बातें नहीं सुननी है जो कि ड्रीम स्ट्रीलर है, तो आप चाहते हैं कि उनकी बातें ना सुने, वो आपके ऊपर हावी ना है, तो आपको अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा, यानी अपना पर्पस क्लियर करना पड़ेगा कि आप क्या चाहती हैं। बिल्कुल, क्या बनना चाहती थी बचपन में, आज कहाँ पर है, किस कोने पर है। आपका वो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका कुछ और है। इंसान बनाया है आपको, इतने सारे योनियों के बाद आपको इंसान बनाया है, तो इंसान बनाया है तो सोल का कोई ना कोई पर्पस है जो कि उस जीवन में पूरा नहीं हुआ है, इस जीवन में वो मकसद के साथ आपके अंदर भटक रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुरेश जी आपका माइक अनम्यूट किया, बस दो और तीन लीडर हमारे स्टार एंड अबाउ है, उनसे मैं बात करवाना चाहता हूँ, प्लीज स्टार एंड अबाउ, जो भी है सुशांत सिंह जी, स्टार एंड अबाउ को ही मैं बात करवा पाऊंगा। सुरेश जी आपका माइक अनम्यूट किया मैंने। यस, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूंगा, मेरा नाम सुरेश सोलंकी है और सिस्टम को लगभग 2.5 साल से सीख रहा हूँ, अभी अपने वेडिंग इवेंट के काम के साथ में कर रहा हूँ मैम रेगुलर। और आज की जो आपकी ट्रेनिंग, जो स्ट्रगल भरी आपकी लाइफ जो मैंने देखी, बिल्कुल सही कहते हैं कि आंखें नम हो जाती है, क्योंकि आज जो आप सक्सेस हो उनके पीछे की स्टोरी हर इंसान को पता नहीं है ना।
इतनी स्ट्रगल आपने लाइफ के अंदर आपने झेली है, उसके बाद में आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो सैल्यूट है मैम। और सबसे बड़ा थैंक यू सो मच आपको कि आज आपने अमूल्य समय हमारे टीम के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया आपको बहुत बहुत। थैंक यू। और गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी आपका एक सीएसएस हमारे जोधपुर के अंदर होना चाहिए, और बिल्कुल प्लानिंग करेंगे मैम हम लोग बड़ी प्लानिंग के साथ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली करेंगे, है ना मैम। अब जिसको बुलाना चाहता हूँ, जी हाँ डेफिनेटली, आरएस पार्टी। कहते हैं कि मैंने अपनी नौकरी को हर एक इंडस्ट्री में किया, सक्सेस नहीं था, यही चीज समझ में आ रही थी कि मिडिल क्लास फैमिली में है सो नहीं, इस इंडस्ट्री को आया और जिसके नाम से शुरू किया, जी हाँ उसका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, उसी के नाम से कर रहा हूँ, और हम दोनों मिलकर इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मेरी अर्धांगिनी, मेरी लाइफ पार्टनर रेखा वाटी का मैं माइक अनम्यूट करना चाहता हूँ। बिल्कुल रेखा वाटी मैम, यस। कानों की खिड़कियां खुल गई, मतलब आपने हर एक पॉइंट पे बात की, हर एक वो बात की ना जो एक लेडीज के साथ गुजरती है, जहां से वो चल के आती है, जहां से मतलब वो उसके साथ जो कुछ भी एक घटता है ना, वो आपने सारी पिक्चर सामने कर दिया। और हकीकत में आपने हर एक एज को टच किया, जैसे यूथ को, जैसे हम जैसे घरेलू महिलाएं हैं, हाउसवाइफ है, तो जब हम हस्बैंड को देखते हैं स्ट्रगल करते हुए, तो हमारे अंदर मतलब वो तड़प होती है कि हम क्यों कुछ नहीं कर सकते, हम इनका साथ क्यों नहीं दे सकते हैं? तो वो तड़प मैंने आज हकीकत में जो मैंने खुद में जो महसूस किया, वो आपकी आंखों में मैंने आज देखा है। और रियली आपसे नजरें नहीं हट रही थी, बस आपको देखे जा रहे थे और पूरा मतलब ढल गए उसमें कि हकीकत में हम भी कहाँ से आए हैं, कितना स्ट्रगल किया है और कर रहे हैं, और अब जो वेस्टीज मिला है यहाँ पे 100% वो सब पूरा होगा। और मैंने भी यही किया है कि हस्बैंड जब स्ट्रगल करते थे तो मेरे भी मन में यही था कि मैं भी इनका साथ दूं, मैं कैसे भी करके इनको सपोर्ट करूं, और वो भी मैंने किया है। और आज ये एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप हस्बैंड वाइफ दोनों कर सकते हैं साथ में मिलके, ये बहुत बड़ी बात है। एक वो होता है कि वो अपना काम कर रहे हैं अलग, हम अपना कुछ भी अलग काम कर रहे हैं, तो वो भी एक लेडीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि काम भी करना है और लोगों की भी सुननी है। बाहर निकलना तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हमें वो करना पड़ता है मजबूरी में, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम साथ में मिलके कर सकते हैं इसको। तो मैम थैंक यू सो मच मैम, जो आपने आज बहुत ही अच्छा सेशन, और रियली थैंक यू मैम। यूर वेलकम मैम। जी मैं औरतों को यही बोलना चाहूंगी कि हम औरतें चाहती क्या है, सिक्योरिटी, कि हम कभी भी ऐसे चीजों का शिकार ना हो सके, गलत चीजों का शिकार ना हो सके। तो ये व्यापार तो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पर जिसके पास प्लान शो करने जा रहे हैं आप, वो भी परिवार वाले ही हैं, और जो मीटिंग होता है वहां पर भी परिवार वाले ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यापार में आपको सिक्योरिटी भी मिलता है मैम। नाम उसका चलता है, एटीएम मेरे पास ही रहता है। कोई बात नहीं, मैडम स्मार्ट है, गूगल पे चलाती हैं। यस डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल जल्दी से जल्दी कार गिफ्ट करनी है उसको, अभी i20 चला रहे हैं और नेक्स्ट लग्जरी कार मर्सिडीज की तैयारी है। डेफिनेटली मैम बिल्कुल होगा, आप लोगों का वैसे स्नेह प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो डेफिनेटली उसको जल्दी करेंगे। जी जी सर। आशीष कैसे हो सर, आपने हाथ खड़ा किया, आपने लेवल नहीं लिखा, बिल्कुल आपका माइक अनम्यूट किया मैंने। आशीष सर आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने आज तक जितनी भी ट्रेनिंग देखी सबसे बेस्ट आपकी, और आज पता लग गया कि लोग काम वही करते हैं पर तरीका अलग होता है। जो आपके बोलने का तरीका था, समझाने का मैम, बहुत बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी सर बिल्कुल,
बिल्कुल आशीष जी, थैंक यू सो मच। वाकई आपने सही कहा कि अलग से बिल्कुल हट के आज ट्रेनिंग थी और हमने बहुत कुछ सीखा मैम से, रियली। लास्ट हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से आ गए मेजर साहब को सैल्यूट करते हैं हम। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन की मूवी देखी और अभी हम मेजर साहब को हम देख रहे हैं। बिल्कुल मेजर साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। गणेश कनाके सर, आपका स्वागत, अभिनंदन, डायमंड डायरेक्टर सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शोभा मैम का हमेशा हम नाम सुना करते थे सर, संतोष सर के मुंह से, क्या मैम ने ये जॉब छोड़ के आज इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे, तो अक्सर से सुना करते थे, बट आज उनसे बात हो रही है, ये मेरे लिए बड़ी गर्वशील बात है सर। मैम ने सारी चीजें इस तरीके से बताई है, आज एक चीज मुझे याद आ गई, जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती है, कुछ दूर जाने के बाद मोड़ उसके आवश्यक अलग अलग होते हैं, इसलिए सब्र करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिंदगी का एक अच्छा मोड़ आपका इंतजार हमेशा करता रहता है। सारा सार मैम ने आने वाले समय का, आज का वास्तविक सारे क्षण बता के, वैसे भी आके तो नम हो ही रही थी, क्योंकि मैम की स्टोरी इतनी दर्दनाक है कि शायद अब ये झूम में देख रहे हम लोग, अगर शायद हम उनके पास में होते, उनका स्टोरी सक्सेस सेमिनार में अगर देखते, ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसके आके वहां पर नम नहीं होंगे। थैंक यू मैम, बहुत कुछ लगा कि आज दिल को कोई एक लेडीज इतना बड़ा लेवल लेके अपने प्रॉब्लम को फोकस नहीं करते हुए सक्सेस को आपने किया और इतने सारे लोगों को, एक अपने लाखों रुपए की टीम को लेके, लाखों की टीम को लेके आप आगे बढ़े मैम, दिल से मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, ऐसे नारी को, एक नारी सबसे भारी। थैंक यू सो मच मैम। एक नारी सब पर भारी, सबसे भारी नहीं सर, सब पर भारी, सब पर भारी, सब पर भारी, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। संदीप गोस्वामी जी, स्टार डायरेक्टर आपका लिखा हुआ, मैं लास्ट आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, बिल्कुल उसके बाद आज का ये सुपर फ्राइडे हम यही समाप्त करेंगे। बिल्कुल संदीप जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वॉइस क्लियर है सर? यस सर, यस सर। सर नाम संदीप है, सरायकेला अलवर हसन का रहने वाला हूँ और आज जो मैम ने जो टीचिंग दी और आज का जो प्रोग्राम था जबरदस्त, लाजवाब, सुपर था सर। थैंक यू विजुअल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आज हमने ज्यादा टाइम ले लिया, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, 10 मिनट मांग के मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, सॉरी मैम इसके लिए। बिल्कुल, तो इसी के साथ में हम थैंक यू बोलना चाहेंगे मैम को, और स्पेशली रियली आज का सेशन जबरदस्त, मैंने बोला हर लीडर ने वही चीज बोला, और एग्जैक्टली आपका राजीव शर्मा सर वाले सुबह आत्मनिर्भर प्लान में जो हुआ, सुबह को वाला सेशन हुआ, उसमें भी आंखों में पानी आ गया था, मैंने भी मेरे आंखों में भी पानी आया था जब आपने ये स्टोरी शेयर की थी, और उसी समय विजुलाइज किया था कि मैम को एक बार सुपर फ्राइडे में जरूर बुलाना है, तो आज आप प्रकट हुए बिल्कुल हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप आए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आप दो शब्द कुछ कहना चाहते हैं तो इसके साथ में हम सुपर फ्राइडे यही समाप्त करें। जी मैं तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ स्पिरिचुअलिटी में, कि मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ कि अपने शब्दों पर कंट्रोल करूँ, अपने थॉट पे कंट्रोल करूँ, कोशिश कर रहे हैं, तो बस मैं लोगों से यही बोलना चाहूंगी, पॉजिटिव रहिए, थॉट पे कंट्रोल कीजिए और इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए, इनकम कमाने पर ध्यान दीजिए, जो काम आपने डिसाइड किया है करने के लिए कि इतना समय मैं दूंगा, एक घंटा या दो घंटा, तो उस दो घंटे में वही काम करना है, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। वीडियो देखने से इनकम नहीं आने वाला, वीडियो तो बाद में भी देख सकते हैं, या जूम सेशन को देखने से उस समय नहीं आने वाला, बल्कि जूम सेशन में आप अपने मैक्सिमम लोगों को बैठाएंगे तो शायद इनकम आ जाए, अकेले बैठेंगे तो नहीं आएगा। तो इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी यानी कि इन्विटेशन, प्रॉस्पेक्टिंग इन, और लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना, 1-to-1 प्रेजेंटेशन दिखाना, ये सारा काम जो होता है इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। और कोई भी मीटिंग सेमिनार हो उसको छोड़े ना, है ना, अटेंड करते रहे, बिकॉज याद रखिएगा जो डाई करता है कपड़े में, जो रंग लगाता है, एक बार रंग में डुबोने से डाई नहीं हो जाता है, वो बार बार कपड़े को रंग में डुबोता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लीडर सक्सेसफुल हो, ड्रीम मोड में आए, तो बार बार प्रहार करना पड़ेगा सक्सेस सेमिनार और इवेंट्स का।
तब yes. उसके रंग चढ़ेगा yes. थैंक यू मैम. चौधरी सर को देख पा रहा था, ऐसे बैठे थे, सैल्यूट कर रहे थे. सर आपको भी सैल्यूट, सर सैल्यूट. थैंक यू सर. चौधरी सर थैंक यू सो मच कि आप ऐसे बैठे थे, अभी आप ऐसे बैठे थे. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आज आज बस आशीर्वाद दीजिए कि आज आपकी उम्र को देख के वो आज आप ये सैल्यूट करके बैठे थे. रियली रियली प्राउड सर, प्राउड. बस आशीर्वाद दीजिए हमें. तो मैम थैंक यू सो मच. और इसी के साथ यस 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 सभी का माइक अनम्यूट कर चुका हूँ. सभी का माइक अनम्यूट हो चुका है. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच मैम. शुक्रिया शुक्रिया मैम.